to stop. हुआ है राज्य में खलबली। सीएम की गाड़ी में बम ब्लास्ट हुआ है राज्य में खलबली। सीएम ब्लास्ट में बुरी तरह घायल हुए हैं, उन्हें अभी अभी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस घटना से पूरा पॉलिटिकल माहौल गर्म हो चुका है। सीएम की ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है। सीएम बम ब्लास्ट में बुरी तरह से घायल हो गए हैं। कैसे हुआ? हो जाए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ लिया जाए, उसके बाद इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। ये कौन है? सीएम की वाइफ। इस घटनाक्रम के बाद अभी अभी सीएम की वाइफ हॉस्पिटल पहुंची है। बॉम्ब ब्लास्ट में सीएम घायल हो चुके हैं। बॉडी 70% जल गई है। मेटल पीसेस को ऑपरेशन थिएटर में निकाला है। आप चलिए, रास्ता दीजिए। कितनी अच्छी लगती है ना। तुम घबराओ मत, हेल्थ मिनिस्टर अभी आया है, अमेरिकन डॉक्टर से भी कंसल्ट किया है, सब सही कर देंगे। तुम चलो, तुम चलो। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी तक कोमा में है। होम मिनिस्टर आए हैं, ये डिप्टी सीएम। नमस्ते। किसने किया है ये? नक्सल पे शक है और अभी तक कोई क्लेम नहीं आया है, कोई भी हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस घटना में और कोई? 5 सिक्योरिटी ऑफिसर मारे गए। बॉडी बुरी तरह से जल गई, बहुत बड़ा धमाका था। उनका परिवार नीचे है मैडम, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में। चलिए जाकर देखते हैं। सुनो, राजेश्वरी को फोन दो। जी हाँ, देता हूँ। बड़े पापा हैं। पापा, तुम घबराओ मत, मैं भी आ रहा हूँ। जवाब दीजिए सर। बोलिए। ये बताओ कि अर्जुन कहाँ है? ये वक्त ऐसा बात करने का नहीं है, चलो हटो। बताइए सर, 3 बजे शेलम से आते वक्त यह हादसा हुआ। होम मिनिस्टर क्यों अपना स्टेटमेंट दे रहा है? इसको कट करो, कट करो इसको। वाला यहाँ लोगों की भीड़ कहाँ है? 400 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। तू क्या करेगा मैं नहीं जानता, मुझे 1 घंटे के अंदर लाखों आदमी चाहिए। ठीक है भाई,
एक बार सीएम जिंदाबाद बोल दूंगा मैंने, दो बार सीएम जिंदाबाद, तीन बार दाना जिंदाबाद, समझ गया ना? समझ गए भाई। हर पेपर की हेडलाइन में बॉम्ब ब्लास्ट, नीचे अगला सीएम दाना, ओके भाई यही आना चाहिए, समझ गया? ओके। सीएम जिंदाबाद, सीएम जिंदाबाद, हमारा सीएम धनंजय, हमारा सीएम धनंजय, हमारा सीएम। पत्नी राजेश्वरी और उनका बेटा अर्जुन जो अमेरिका से आया है भारी शोक में है। हमारा सीएम धनंजय, हमारा सीएम धनंजय, हमारा सीएम धनंजय, सीएम जिंदाबाद, सीएम जिंदाबाद, हमारा सीएम धनंजय, हमारा सीएम धनंजय, हमारा सीएम हमारा सीएम, हमारा सीएम। क्या हुआ माँ? अर्जुन, रो मत माँ, बैठो माँ बैठो, अर्जुन बैठो बैठो। ये क्या हो गया? चिंता मत करो, कुछ नहीं, नहीं कुछ हुआ है, डॉक्टर्स मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बता रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री संजीव का हाल और दूसरी तरफ नेक्स्ट सीएम कौन होगा, ये चर्चा चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जिंदाबाद, सीएम जिंदाबाद, हमारा सीएम, हमारा। होम और डिप्टी को ये पद नहीं मिलना चाहिए, मीटिंग रखने को बोलो, बड़े पापा को तुम फोन करके बात समझाओ, अगला सीएम तुम्हें डिक्लेयर करने को कहो। उसकी उम्र 30 साल है, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, आप कब तक यही पद संभालते रहेंगे? आप एक बार कोशिश तो कीजिए। अभी की परिस्थिति को देखते हुए धनंजय के अलावा कोई दूसरा सीएम के पद का दावेदार नहीं है। नरसिम्हा जी, धनंजय कैसे सीएम बनेगा? उसकी इतनी हिम्मत, उसको कौन सपोर्ट करेगा? हम जरूर करेंगे, तुम दोनों को मिनिस्टर पोस्ट मिलेगी। सीएम कमजोर हो तो हमें पद भी मिलेगा और सारे काम भी होंगे। हेलो बड़े पापा। हाँ बोलो। वो डिप्टी और होम मिनिस्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं, राजनीति में ये सब कॉमन है भाई, चुपचाप कैसे बैठेंगे, कुछ न कुछ बोलेंगे। तुम क्या गूंगे हो? उन सब का मुंह बंद करना चाहिए। अरे भाई मैं आ रहा हूँ ना। ठीक है जल्दी आइए, फोन रखता हूँ। एक तरफ तो मिस्टर धनंजय को चीफ मिनिस्टर बनने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग दावेदार माना जा रहा है और दूसरी तरफ होम मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जीत किसकी होगी। इस बार ये अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन जीतने वाला है। सर हमारा पोर्टफोलियो। ठीक है ठीक है, मैं कुछ करूँगा ना। बड़े पापा सुनो, हम लोग जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ लेंगे। देखो भाई कानून अपना काम कर रहा है, कुछ ना कुछ उन प्रेस वालों को बोल दो। जाओ जल्दी, जाओ जल्दी। हाँ बताओ क्या है? वो इंटर्म सीएम राजेश्वरी कहाँ है? हिम्मत से काम लेने का, लोगों की दुआ मिलेगी, समझ गया ना? बेटी राजेश्वरी बैठो। ये वक्त हिम्मत रखने का है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। क्या तुमने खाना भी नहीं खाया? सुनो जल्दी से कुछ खाने को ले आओ। नाश्ता नाश्ता लेकर आओ। सुनो बेटा हिम्मत से काम लेने का, तुम साथ में रहकर मम्मी की देखभाल करो। डॉक्टर साहब अब क्या पोजीशन है? स्टिल इन कोमा, वो अभी भी कोमा में है, ब्लीडिंग रोक दी गई है, अभी भी मेटल पीसेस निकाल रहे हैं, उनके होश में आने तक कुछ नहीं बोल सकते। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। सुनो हाँ बड़े सब सुना ना तुमने, बाहर प्रेस वालों की मीटिंग चल रही है, तुम जाकर इस बात को बता दो। मम्मी जी अंदर है क्या? बड़े पापा के जाने से पहले पार्टी मीटिंग में बोल दे। सुनो बेटी तुम चिंता मत करो, अब पीएम साहब। नमस्ते सर। सर सर स्टिल इन कोमा सर। सर सर आप चिंता मत कीजिए सर। हाँ मैं सर। हाँ सर कुछ खाओगी माँ? जी सर। आज हमारा देश
अर्थव्यवस्था सब कुछ खतरे में है, तो उसे कौन बचा सकता है? सिर्फ सिर्फ एक ही राजनेता और वो हूँ मैं। कुछ गलत कहा मैंने? मैंने मैंने अपनी पूरी राजनीति। सर सर एक मिनट में आपसे बात कर सकता हूँ? वन मिनट प्लीज। सर आप मुझे बचा लीजिए सर, आप मेरी मदद कीजिए सर प्लीज। ए, उठो, क्या बात है बोलो। सर मेरा नाम माली है, 3 दिन पहले मैंने सीएम साहब को 10 करोड़ रुपए दिए थे सर। सर सर आप मेरी बात मानिए, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर वो 10 करोड़ रुपए एक ब्लैक कलर के बैग में रखकर दिए थे सर। सर सर मुझे बचा लीजिए सर। सर मेरा एक 12 एकड़ का लैंड है सर, वो लैंड सेलिंग में फंस गया है सर। उसको कम्प्रोमाइज करने के लिए सीएम से मिला था, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। सर मैं क्या करूं? अगर वो एक बार आंख खोले तो आप मेरा नाम लेकर पूछ लीजिए सर, मैं अपना फोन नंबर देता हूं सर। सर मैं अपनी सारी जायदाद गिरवी रखकर पैसा दिया हूं सर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं रास्ते पर आ जाऊंगा सर। ये मेरा फोन नंबर है सर, मेरा सारा पैसा भी गया और अब लैंड का क्या होगा पता नहीं। सर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। मैं धनंजय को बोल दूंगा। नहीं सर, नहीं सर, उनकी मदद नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं करेंगे, वो सब चोर है सर। ये काम सर मेरा ये काम आपको ही करना पड़ेगा सर। आपके पापा को बचाने के लिए हमारा पूरा परिवार 4 घंटा प्रार्थना करता है सर। सर आप मेरी मदद कीजिए सर प्लीज। ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। सर सर धनंजय सर नमस्कार। नमस्ते सर, आप ही हमारे सीएम है सर। सर हमारा सपोर्ट आपके साथ है, हमारे सीएम को लड्डू खिलाओ। सर हम आपके साथ हैं, खाइए खाइए सर, खाइए ना, खाइए सर, खाइए सर। अरे धनंजय, हाँ अर्जुन पानी दो, एक मिनट आता हूँ। चलो सुनो धरा, किसी ने पापा को पैसे दिए थे। क्या रिश्वत थी? कौन है वो? कह रहा था कि लैंड लिटिगेशन में है। बेचारा बहुत परेशान था। कितना है? 10 करोड़। इस तरह के काम के लिए बहुत लोग आते हैं, तुम अपना सर मत फोड़ दो। कम से कम बात करके तो देखो। तुम क्यों चिंता करते हो, तुम टेंशन मत लो, ये सब हमारे लिए मामूली काम है, ये सब मैं देख लूंगा। ओके बाला, किसी ने पैसा दिया बोल रहा है, क्या जरा देख लो। ठीक है भाई, बात करो। सेम आपसे बात करना चाहते हैं। चलिए सर। प्लीज का मैडम, पापा पापा पापा, डॉक्टर हमारे सीएम हमारे हमारे सीएम हमारे हमारे सीएम
सीएम साहब के कुछ रुपए मेरे पास हैं। अर्जुन को बता दूं क्या? कितना है? लगभग 500 करोड़। 200 करोड़ उसको दे दो, बाकी हम बांटेंगे। ओके। You just let me know and I will transfer it to you. Mama ji, सब हो गया ना? कुछ नहीं। तुम अमेरिका जाना चाहते हो ना? तुम्हारे पापा मेरे पास 50 करोड़ रुपए कैश और 100 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम मेरे पास छोड़ गए हैं। ये सब मुझे बताने की क्या जरूरत है? ये सब बताना मेरा फर्ज है। तुम यहाँ रहने वाले नहीं हो, तुम्हें तो अमेरिका जाना है, इसलिए सब कैश में कन्वर्ट करके ले जाओ। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, मैं तो बस अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाएगा। ठीक है अर्जुन, मैं चलता हूँ। ये तेरे पापा की डायरी है, 15,000 करोड़ रुपए तेरे मामा जी को तेरे पापा ने दिए थे। जो पैसा हमें वापस दे रहा है वो सही आदमी नहीं है। इन लोगों ने जो पैसे दिए हैं ना, उसका हिसाब यहाँ लिखा है, पढ़ो। पच्चीस हजार करोड़? मम्मी पापा के पास करोड़ों रुपए हैं। इतने करप्ट थे मेरे पापा? सिर्फ पापा ही नहीं, ये सारा देश ही करप्ट हो गया है। इनमें तेरे पापा शामिल थे। नया नया रूप, नया नया खेल, ये सब करना पड़ा अच्छा बनने के लिए। लेकिन सत्ता में आने के बाद 2 साल में सारे अच्छे गुण खत्म हो गए। चोरी को बढ़ावा दिया, दाना को चेक करने के लिए डिप्टी, और डिप्टी को चेक करने के लिए होम, होम को चेक करने के लिए दूसरों को, ऐसे ही चलता रहा। दाना ने इनको भी मारने की कोशिश की थी। ये सब बड़े पापा को पता है? ये सब जानकर भी अनजान बनेंगे। उनको अहंकार है, इस सत्ता को, इस राज्य को अपने परिवार वाले ही संभालें, यही चाहते हैं। इस देश को उनके अलावा और कोई ना संभाले। उनके भाई को रघु ने मारा, फिर भी वो चुप थे, बिल्कुल खामोश रहे। वो किसी को सीएम नहीं बनने देंगे, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। सिर्फ तुम्हें चांस है, तुम उनके बेटे सीएम के लड़के हो, इसीलिए बोल रही हूँ। मैं जाकर बात करती हूँ तेरे बड़े पापा से। तू सीएम बन जा, यहाँ का गंदा खेल बदल दे। जो वो नहीं कर पाए वो तू कर। यहाँ देख, अन्याय को खत्म कर देंगे, एक ही परंपरा वाली नीति को हम खत्म करेंगे। और बहुत कुछ लिखा है, सब सोचा था लेकिन कर नहीं पाए। लोगों को मसला जा रहा है, इस नेता की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। एक छोटा सा होप दे दो तेरे पापा को, प्लीज। उस दिन मेरी जिंदगी में नया मोड़ आया था, एक छोटा सा पंपसेट का झगड़ा है, दलितों और बड़े पापा के बीच झगड़ा हो गया। बड़े पापा गुस्सा हुए, उस दलित गांव को ही आग से जला दिया। आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। कॉम्प्रोमाइज? हाँ। अरे तुम सीएम हो, ये बात तुम्हें कहते शर्म नहीं आ रही? चलो यहाँ रुको मत, अपने स्टाफ और सिक्योरिटी सबको लेकर यहाँ से चले जाओ। बड़े पापा, ये राजनीति में अधर्म है, हमें लोग बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। हाँ तो फिर सर झुका कर जियो। अरे उनको चर्बी बहुत हो गई है, कल तुम्हारी औरत पे भी हाथ रखेंगे। सुनो, तुम्हें सीएम पद नहीं चाहिए तो बोलो, मैं धनंजय को सीएम बना देता हूँ। जाओ। इस समय मैं पुलिस वालों को एक इशारा कर देता तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। मुझ में हिम्मत नहीं थी, बड़े पापा के सामने मेरी हिम्मत हार जाती थी।
1,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक के कर्ज के ही विदेशी लोगों के पैर पकड़ने पड़े। एक साल में हम अपने देश में से ब्लैक मनी वालों को पकड़ेंगे तो 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। लेकिन ये कौन करेगा? इतनी हिम्मत किसके पास थी? राजनीति में पैसा रिश्तेदार नहीं चलना चाहिए। दाना और डिप्टी सीएम मिलते रहते हैं, मेरा साला भी उनके साथ में है। 30 साल की उम्र में दाना सीएम बनना चाहता है। दाना सीएम बनेगा? उम्र 30 साल, 3 रेप केस है, डिग्री नहीं है, दारू पीता है, लड़कियों को घुमाता है, गैम्बलिंग, ड्रग्स, ये सब आदत है, लोगों की इंसानियत को नहीं समझता। ये सीएम कैसे बनेगा? अगर मेरा बेटा अर्जुन बनेगा तो आपके पापा ने मुझे काला बैग छुपा कर रखने के लिए दिया था। कब दिए थे? 3 दिन पहले दिए थे सर। 3 दिन पहले? अरे सुनो, जल्दी से घर चलो, जल्दी। ठीक है सर। सुनिए सर जी। क्या हुआ? उस बैग से मेरी बेटी की मेडिकल सीट के लिए 20,00,000 रुपया ले लिया हूँ। सॉरी सर, मैं धीरे धीरे दे दूंगा। सॉरी क्यों कहते हो? कम से कम तुम्हारी इंसानियत जिंदा तो है, लड़की को अच्छी तरह पढ़ाना। थैंक यू सर। अब जल्दी चलो। इनकोडेड बाय आशीष के 24/7।
अजी फोन। हेलो अली, मैं अर्जुन, सीएम का बेटा। अली तेरा पैसा मिल गया है सर। तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? ठीक है सर। या कल सुबह तुम आ जाना, ठीक है? सर मैं आता हूँ सर। थैंक यू सर। सर क्या देश के बिना सीएम से लेकर क्लर्क तक कोई भी सत्ता में नहीं आ सकता। आप अपने परिवार के अलावा किसी को भी अधिकार में नहीं आने देते हैं। मगर इस देश में रहने वालों का भला कैसे होगा? आप तो अपने परिवार का ही भला करते हैं। सुनो भाई, जिसके पास ताकत होती है वो अपने अधिकार तक पहुँच ही जाता है। बाप जो भी काम करता है बेटा भी वही करने लगता है। हम लोग कहने लगते हैं कि परिवार बात कर रहा है। जो अधिकारी है वो हमेशा अधिकारी बनकर रहेगा और जो नौकर है वो नौकर बनकर रहेगा। फिर अपने समुदाय में मान मर्यादा और इज्जत मिलती है, ऐसी मेरी सोच है। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि धनंजय के अलावा कोई भी इस राज्य का सीएम नहीं बन सकता। कोई नहीं बन सकता, क्योंकि ये हमारे परिवार का हक है। रानी तुम क्या सोचती हो? मेरी भी यही सोच है सर। बताइए अगला सीएम कौन होना चाहिए? वॉच बी न्यूज। क्या बात है? कुछ नहीं मामा जी, मैं 10 दिनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरी नारियल वाली जमीन बेच दी। क्यों, क्या बात है? कोई कंपनी खोलना चाहते हो? हाँ मामा जी, कुछ जरूरत पड़ गई थी। नो प्रॉब्लम, मैं अरेंज कर दूंगा। फोन दीजिए, फोन दीजिए। क्या अर्जुन, मैं दाना बोल रहा हूँ। इतनी जल्दी क्या है, मेरे सीएम बनने तक रुक जाओ। नहीं भाई, मुझे अमेरिका में बिजनेस सेट करना है, उसके बाद फ्री हो जाऊंगा। इलेक्शन कब है? मुझे इलेक्शन की क्या जरूरत है, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं। 2 हफ्ते में होगा। ओके देन, एडवांस में कांग्रेट्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो श्रीकांत जी। अर्जुन सर बोलिए। सर आपने जो बताया था वो अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए। सारे कैश में? हाँ सर, सारा कैश ट्रांसफर कर दीजिए। अर्जुन, लैंड के बदले में मुझे कैश चाहिए। जल्दी कीजिए। हेलो मंत्री जी, सब कैश है ना? मैं 4 दिनों में दे दूंगा। माँ, माँ मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। सच में ना? हाँ सच में। तू कहीं जल्दबाजी में अचानक से? माँ ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन जो काम मैं नहीं जानता हूँ वो करके दिखाऊंगा, तभी तो लोग मेरे पापा को माफ करेंगे ना। माफ करेंगे, तुझे पैदा किया है इसलिए माफ करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये क्या करा, ये तेरा ही तो पैसा। सर हजार हजार रुपए के लिए लोग मर्डर करते हैं सर, लेकिन आप मेरी बातों पर विश्वास करके मेरे 10 करोड़ रुपए वापस कर दिए। आप मेरी जान है सर, मैं अपनी जिंदगी आपके नाम करता हूँ सर। मैं नहीं भूलूंगा, मेरा बाप मुझे जमीन दिया था, उस जमीन को बचाने के लिए कुत्ते की तरह घूम रहा था सर। आपके बाप भी सर, हमारे समाज में आपके जैसा कोई नहीं है सर। सबके सब जानवर है, ये हर किसी को लूटते, समाज कैसे बदलेगा? इसे हम बदलेंगे, नया समाज बनाएंगे। अली, हमारी सरकार में कौन कैसे है, किसको कितना पैसा देने से काम होगा तो अच्छी तरह जानता है। सर गवर्नमेंट में काम करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, ये तो दूसरी कक्षा का बच्चा भी बता सकता है, मगर मुझे किसको कितना देना है ये पता है सर। अली तू मेरा एक काम करेगा? सर आप जान देने के लिए कहेंगे दे दूंगा सर, ये जान आपकी है सर। बोलिए सर। अली मैं सीएम बनना चाहता हूँ और तू है मेरा पर्सनल सेक्रेटरी, मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय। क्या बात कर रहे हैं सर, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पानी पियोगी? ये बहुत बड़ी न्यूज है, मैं ऐसे ही आपसे मिलने आई थी, मगर मेरे हाथ हॉट न्यूज लग गई। अगर मेरे बॉस को पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे, मेरा तो प्रमोशन पक्का है। सुनो तुम्हारा नाम क्या है? रति, रति मल्होत्रा। सुनो
ये न्यूज पब्लिक के लिए नहीं है, ये न्यूज किसी भी तरह बाहर नहीं जानी चाहिए, ये सीक्रेट है, समझ रही हो ना? साइलेंट रहना पड़ेगा, मुश्किल है। एक्चुअली साइलेंट होना तो मेरे ब्लड में ही नहीं है। वो बात नहीं है, तुम्हें कितना चाहिए वो बोल दो। रत्न मल्होत्रा को खरीदोगे आप? मैं मीडिया में काम करती हूँ, पॉलिटिक्स में नहीं। जाने तो गिफ्ट समझ लो। सुनो, तुमने यहाँ जो भी देखा सुना वो सब बाहर नहीं बताने के लिए क्या चाहिए वो बोल दो। పదంలో యువరాజల్లే వాడే వస్తాడేమోపైనే నన్ను ఎత్తుకుపో తుమే క్యా చాయే బోలో మే అర్జున్ సి షాదీ కర్నా చాహతీ హూ ఏయ్ సునో రతి సునో రతి ఇస్ దేశ్ కి హాలత్ బహుత్ ఖరాబ్ హై సొసైటీ మే చీటింగ్ చల్ రహీ హై హలో जहाँ भी देखो लूटपाट भ्रष्टाचार है, जवान लोग सो रहे हैं, नेता देश को नोच कर खा रहे हैं, तुम्हारे जैसी लड़कियाँ मस्ती करते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ लिटिल चेंज। मतलब नहीं समझी? तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है तो मेरा साथ देना चाहिए ना। मुझे क्या पड़ी, मुझे हा? क्या पड़ी है अर्जुन, इस देश ने मुझे क्या दिया है? मैं अभी मर भी जाऊंगी ना तो मुझे अपना पीएफ भी नहीं मिलेगा, तो फिर इस देश के लिए मैं अपनी लाइफ क्यों खराब करूं? मुझे भी डायलॉग्स आते हैं। ओके, मस्ती मत करो। तो मेरे बारे में क्या जानती हो, लड़की बाजू दारू खोरू या ड्रग्स बेचता हूँ? एक्सक्यूज मी अर्जुन, सीएम कलर का पागल हो तो भी चलेगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैं ही क्यों, इस देश की कोई भी लड़की हाँ बोल देगी। ए, तक मैंने हाँ कहाँ की है? नहीं अर्जुन, ना का तो सवाल ही नहीं उठता, इसीलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ओके ओके, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तुम्हारे सीएम बनने के बाद हम लोग शादी कर लेंगे, तो शुड बी ओके आई थिंक। मैं सीएम को तो किसी भी तरह पटा लूंगी, पसंद हो तो शादी, वरना वरना क्या 50 करोड़ देने पड़ेंगे। 5-10 में सेटल कर लेते हैं। ओके सुनो रति, हम 5 लाख दे देंगे। मैं सीएम से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। बोलो अर्जुन। हे, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पटा ही लूंगी, मुझसे बच के जाओगे कहाँ? 50 करोड़ तुम्हारे पास ही रहेंगे, टेंशन मत लो। मेरा पोर्टफोलियो क्या होगा? अभी तो एक ही है ना। सुनो धनंजय भाई, अगर सीएम बनना है तो तुम्हें मेरे साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा, नहीं तो मेरा क्या है, अपोजिशन को भी सपोर्ट कर सकता हूँ। क्या बात है, गाना गा रही हो? मैं मंदिर जाकर आई हूँ ना, ये लो टीका। अली ज्योति अपार्टमेंट चलो, आनंद नगर में। ओके, तुम्हारे नाम से पूजा करके आई हूँ, गोत्र पता नहीं क्या है। कितना कोरा है तुम्हारे पैर, ऋतिक रोशन की तरह। बस मैं घूमने वाली, आराम से जा रही है, मस्ती तो करेगी ना। एक्चुअली कार में बैठना मुझे आता ही नहीं है, ये मेरी किस्मत है। मेरे पैर भी खूबसूरत है मगर मैं दिखा नहीं सकती हूँ, कमेंटमेंट करेगा तो दिखा सकती हूँ। अभी सिर्फ कमर देखो, मस्त है। तुम चुप नहीं रह सकती? अयो, तुम्हें नजर ना लगे, कितनी मीठी हंसी है। 3 पोर्टफोलियो चाहिए, यही बात है ना? 1000 करोड़ कैश चाहिए, प्रोजेक्ट भी बनाकर देना होगा, तब काम होगा। ये सब मामूली बात है मनोहर, ये सब कहने की क्या जरूरत? अरे वो सीएम बन गया है, आने वाले 10 साल तक वो सीएम बना रहे, ऐसा उसे दिल से आशीर्वाद दे दो धनंजय। कॉन्ग्रेचुलेशन धनंजय। जय तुम दोनों यही रुको, मैं भी आता हूँ। अर्जुन मैं आ सकती हूँ? नो। थैंक्स। तुम्हारा बॉस मेरी बहुत इंसल्ट कर रहा है, सावधानी से रहने को बोलो। ठीक है मैडम, ठीक है। तुम बॉस को कैसे जानते हो? बचपन में गोटी खेलते थे,
सर क्यों बोलते हो? मैडम मेरे पास एक ही दिमाग है, प्लीज। भैया दरअसल बात ये है, भैया बड़े पापा बाहर से आए हैं, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। ये सिर्फ एक लंच मीटिंग है और कोई बात नहीं है। अली कम सर, उसको भी बुला लेते हैं सर। क्या है? उसको गुस्सा आ गया तो मुंह खोल देगी, बहुत बचपना है सर। हेलो, धनंजय सीएम के लिए लायक उम्मीदवार है। बोलिए सर। उसमें कोई कमी नहीं है, जवान है, सोर्स है और एक्सपीरियंस है, हम भी सपोर्ट करेंगे। प्रदीप, ये मेरी बेटी रहती है ना माँ। माँ तुम लोग जाए। ए, रुक मैं आती हूँ। क्यों चले जाए? कहाँ ना जाओ, जल्दी। क्यों? ए, कौन हो तुम लोग? अरे जाओ, मेरी माँ एक घूसा देगी ना, तुम लोग उठ नहीं पाओगे, समझे? जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, मैं आती हूँ। सर कहाँ बैठिए? अरे 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 भाग, अरे कहाँ जा रहे हो? भागिए सर, जाओ, हमारे पास ही होती है सर। भागिए सर, तो तुम लोगों की क्या होगा दूंगी मैं? अरे सुन कर, बेशरम गई की, चल बैठ। कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? मैं नहीं बताऊंगी। देखा देखा देखा, दिन में किसके साथ कार में बैठ के आ रही है, लेकिन वो लोग कौन है मुझे नहीं बता रही है। क्या बात है, तुम इतनी ही सच करती हो? आप लोग सब देख रहे हैं, देख रहे हैं। चुप रहो, चुप रहो। अगर मेरे पति जिंदा होते तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। माँ की इज्जत भी नहीं करती है ये लड़की। क्या इसी दिन के लिए बड़ा किया था तुझे? बोल बोल, सीएम का बेटा है वो, मेरा दोस्त है। ये लो कैश, बाकी पैसा बैग में है। बाकी वो जमीन मैं 2-3 दिन में सेटल कर दूंगा। जमीन मेरे बगल में है इसलिए मैं ही खरीद लूंगा। ये सब संभाल लेना हा? और कोई मदद चाहिए होगी तो बताना। ठीक है मामा जी। अच्छा ये बताइए, अपने धना की लाइन क्लियर है ना? हाँ लाइन तो क्लियर हो गई है, मगर वो ऑपोजिशन वाले है ना। कौन मामा जी? हमारे डिप्यूटी और होम, वही थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, लेकिन हम संभाल लेंगे। फिर तो उनका पद जाएगा ना? हाँ जाएगा, औकात दिखाई थी ना। सुनो धना तुम्हें फोन करेगा, आज रात को पार्टी है, तुम आ जाना। नहीं मामा जी, मैं कैसे आ सकता हूँ? एक तो मेरा मूड नहीं है, ऊपर से मैं अपसेट है। वो मैं जानता हूँ अर्जुन, उसने कहने को कहा इसलिए कह रहा हूँ। देख फिर भी कोशिश करना, अगर आ सके तो आ जाना। और कौन कौन आ रहे? पार्टी के सपोर्टर्स, फ्रेंड्स और सब लोग आएंगे। अच्छा तो अर्जुन अब मैं चलता हूँ। ठीक है, मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, फिर भी जरूरत पड़ी तो मुझे फोन करना। ओके, पैसे संभाल कर रखना। अच्छा मैं चलता। ठीक है मामा जी। హలో అండి, హలో హలో, బాగున్నారా? అర్జున్, మన కాబోయ్ హోమ్ మినిస్టర్. హలో సార్. మా తమ్ముడు అర్జున్ అండి, మీరు మాట్లాడుతుండండి, నేను మళ్ళీ జాయిన్. ఓకేనా? బీ కంఫర్టబుల్. ఓకే. ఏమన్నాడు వాడు?
చెప్ప చెప్తే నువ్వు రెచ్చిపోయి ఫీల్ అవుతావు. అయితే వాళ్ళని అడుగుతా. కూర్చో, నేను సీఎం అయితే నేను ఎన్కౌంటర్ చేస్తాను. అయితే కదా, హాట్ చికెన్ అన్నాడు. హాట్ చికెన్ అన్నాడు. కరెక్టే అన్నట్లే. రాజశేఖరా రాజశేఖరా రాజశేఖరా, నీపై మోజు తీరలేదురా, రాజసానా ఏలరారా రాజా రాజా రాజా, రాజశేఖరా నీపై మోజు తీరలేదురా, రాజసానా ఏలరారా రాజా రాజా రాజా, రాజశేఖరా నీపై మోజు తీరలేదురా, రాజసానా ఏలరారా రాజా రాజా రాజా. लड़की क्या बोल रही थी कान में? मेरे रूम में आओ, कंपनी देती हूँ. ऐसे क्यों पूछ लिया उसने? अगर मुझसे कोई पूछा तो मैं उसे चप्पल से मारती. मेरी मर्जी, मुझे उसकी कंपनी चाहिए. तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हर बात को मजाक समझती हो. अली वहाँ डिटेल कलेक्ट कर रहा था, उनको पता चला तो पता है क्या होगा? छोटी सी मिस्टेक हुई तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं. बहुत बड़े क्रिमिनल हैं वो.
सिर्फ 10 दिन से मेरे साथ हो और हर काम में टांग लगाती रहती हो, तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करती हो? हेल्प करूं? तुम्हारी हेल्प करूं? क्या तुम महात्मा हो? मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम सीएम बनने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, आपके पापा ने कमाया वो भी कम है, तुम्हें पद चाहिए, सीएम बनने का प्लान कर रहे हो, बस यही है ना? पैसा कमा के अंदर क्या ये सबको याद है? लेकिन वो खुद मरे या किसी ने मारा ये किसी को याद नहीं है। इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा, लोग भी उनको माफ नहीं करेंगे, और मैं यही बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना कमीना नहीं हूँ। बैठो अली। सर, जो पार्टी में आए थे उनमें से बड़े पापा के 42 लोग हैं सर, धना के 30 लोग, हाँ। ये सब सपोर्ट में, हम उनको कुछ नहीं कर सकते। यस सर। बैलेंस में 53 लोग हैं, ये रही उनकी लिस्ट। ओके सर। इनमें से 14 लोग डेप्यूटी और होम को सपोर्ट करने वाले हैं, सबसे पहले इन 53 लोगों को अपने साथ मिलाना होगा। सर मैं इनका इतिहास जानता हूँ सर, सब पैसों के पीछे भागने वाले हैं, मुझ पर छोड़ दीजिए। इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, वो ये कि इस बात का पता जब धना को चलेगा तो वो हमारा काम बिगाड़ सकता है। सर आपका नाम सामने नहीं आएगा, मैं जाकर पैसे दे दूंगा। मेरा नाम कैसे नहीं आएगा? सर वो लोग पॉलिटिशियंस है सर, पैसा आ रहा है सिर्फ ये देखते हैं, कहाँ से आ रहा है ये नहीं देखते हैं। कहाँ से नहीं, लेकिन क्यों तो पूछेंगे। करेक्ट, इतने लोगों में से कोई ना कोई तो पूछेगा ही कि कहाँ से आया पैसा। तू एक काम कर सर, मुझे 53 लोगों की कुंडली चाहिए, वो भी शाम तक। श्योर सर। अर्जुन, मेरे मीडिया में बहुत कॉन्टेक्ट है, मैं ले आऊँ क्या? अली एक काम और करो। सर मेरे पिताजी का 8x4 का बड़ा फोटो चाहिए। ओके ओके, राइट ऑल राइट। अर्जुन अर्जुन प्लीज प्लीज नाराज मत हो, मेरे मीडिया में बहुत कॉन्टेक्ट है, मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ। ठीक है ला। सर अर्जुन हंसो, हंसो ना। हंसा क्या? श्योर? चलो। तुमने देखा क्या? माफ कीजिए मुझे आपको अचानक बुलाना पड़ा। हाँ। बात यह है कि पापा की मौत के 11 दिन होने से पहले मैं उनकी इच्छा पूरी कर देना चाहता हूँ। उन्होंने आपके बारे में डायरी में लिखा है, आप हर काम में सिंसियर हैं, आपने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, इसलिए पिताजी आपके लिए कुछ करना चाहते थे और माँ भी यही चाहती हैं। अली सर ये आपके लिए। ये क्या है? रुपए हैं, 2 करोड़। किस लिए? ये आपके ही है। क्यों? पापा की यही इच्छा थी। संजीव भैया आ गए। संजीव भैया अमर है। सर पापा आपको 4 करोड़ देना चाहते थे लेकिन कैश एडजस्ट नहीं हो पाया, 10 दिनों के अंदर करवा दूंगा, मुझ पर भरोसा रखिए। संजीव भैया अमर है। संजीव भैया अमर है। सर एक बात और सर, इन पैसों की बात किसी को बताने नहीं चली जाएगी, आपकी फैमिली को दूंगा, इससे आपको इनकम टैक्स का प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं नहीं किसी को भी पता नहीं चलेगा, तुम हमेशा खुश रहो, खुश रहो। धनंजय आपके सामने खड़ा होने लायक भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। संजीव भैया अमर है। संजीव भैया अमर है। ये हमें वोट देगा ना? जान भी देगा। किसी को बताएगा तुम्हें? किसी को नहीं बताएगा। काम बन रहा है ना? 100% सीएम साहब। दूसरे एमएलए को बुलाएं? अभी तो भूख लगी है, बाद में देखते हैं। ओके बुला रहे हैं। जाके चलो। दुनिया में अब पैसा सब कुछ, गिर जाते हैं पैसे के आगे। पैसा ही अब ईमान सबका, अब क्या होगा बोलेगा पैसा। यही है भारत देश, यही है भारत देश।
लगते हैं, रोना भी दिखता है, नारे भी लगते हैं, पर लोग समझते हैं, नहीं बिकने वाले भी यहाँ तो बिक जाते हैं, फिर भी सब कहते हैं वंदे मातरम, यही है भारत देश, यही है भारत देश, यही है भारत देश, यही है भारत देश। डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर साहब, ये पद मेरे पिताजी ने दिया था इसलिए कह रहा हूं। आपको अच्छा लगा तो दो तीन बार और बुलाऊंगा, क्योंकि धना के सीएम बनने के बाद ये पद नहीं रहेगा ना। इस पद को छोड़िए सर, धना से दुश्मनी करके कोई नहीं बच पाया, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, ये फैक्ट है। मुझे आप लोगों पर गर्व है, लेकिन उससे ज्यादा अपने पिता पर है और हमेशा रहेगा। आपके 14 एमएलए को मेरा साथ देना पड़ेगा। यही है पकड़ी, यह ऑटमैन की चाबी है, यही है भारत, जाकर अंदर से देखो। उम्मीद नहीं पर सौदा है, ये सौदा तो पक्का है, अब इस राह से पीछे कैसे तू जाएगा, चाह कर भी कोई राह बदल ना पाएगा। आराम से बैठिए, ये पद भी आपका है और ये अपार्टमेंट भी, मुबारक हो। यही है भारत देश, यही है भारत देश। राजेश्वरी, क्या बात है, इस बारिश में तुम इतनी रात में आई हो? आओ आओ अंदर आकर बैठो। नहीं नहीं, बैठो बैठो। क्या बात है, बेटे ने किसी से प्यार करके शादी कर ली है क्या? तो फिर क्या समस्या है? बड़े पापा, आपको वादा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कहो। वादा निभाना पड़ेगा। राजेश्वरी, बच्चे की देखभाल करना भाई का फर्ज था, लेकिन वो तो दुनिया छोड़कर चले गए, 10 दिन भी हो गया। तुम अपने बच्चे के साथ आई हो और वादा निभाने की बात कर रही हो। क्यों नहीं निभाऊंगा मैं वादा, भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं वादा निभाऊंगा। मरने से पहले मेरे पति की आखिरी इच्छा थी कि अर्जुन सीएम बने। आपको मदद करनी होगी, आपने वादा किया है। अरे तुम तो अमेरिका जाकर बिजनेस करके सेटल होने वाले थे, सब इंतजाम भी कर लिया था, फिर ये अचानक। अरे तुम्हें अकल है कि नहीं, पॉलिटिक्स क्या होती है पता है तुम्हें? अरे तुम तो धनंजय को अच्छी तरह जानते हो, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। क्या जवाब दूंगा मैं उसे बताओ, अब बोलो भी। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। राजेश्वरी, कल सुबह पार्टी की मीटिंग है और धनंजय को सीएम बनाने के लिए हम लोगों ने सारा बंदोबस्त कर लिया है। उसको सीएम की कुर्सी पर बिठाकर मैंने गांव जाने का फैसला कर लिया है।
सुनो, अब मैं इस परिस्थिति में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मेरे बस में कुछ भी नहीं। आपके बस में हो तो आप करेंगे क्या? अगर मेरे बस में होगा तो मैं क्यों नहीं करूंगा? मैंने वादा भी कर लिया है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत मुश्किल है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अपने MLAs को वोट देने से मना कर दीजिए, आप न्यूट्रल हो जाइए बस। वहाँ उसे निर्विरोध CM बनाने की बात चल रही है तो फिर वोट की बात कहाँ से आएगी? अगर आई तो कैसे आएगी? अर्जुन, समझ गया, मैं सब समझ गया, समझ गया। क्यों किया तूने? तूने ऐसा क्यों किया? बड़े पापा, धनु इस राज्य का CM बन गया तो बड़े दुर्भाग्य की बात होगी, लेकिन इस तरह क्यों? यही करना पड़ेगा और अभी करना पड़ेगा। ये मेरे लिए आखिरी मौका है, आपने वादा किया है पूरा करके दिखाइए। धनंजय इंटर CM बनेगा, ये बात हमें पहले से ही पता थी। आज पीपल्स पार्टी के कार्यालय में मीटिंग हो रही है। इस पार्टी मीटिंग में बड़े पापा धनंजय को CM घोषित कर देंगे। पार्टी के सभी सदस्य उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा करने वाले हैं। अभी हमारे एजेंडा में हमें पार्टी के नेता का चुनाव करना है और वही हमारा CM भी बनेगा और हम सब लोग उसे मानेंगे भी। तो हमारी पार्टी का लीडर है धनंजय। इसको आपने कैसे चुन लिया सर? भाई, दारू पी कर आओ मीटिंग में। दारू पी के आने की हमें क्या पड़ी है धनंजय जी? इज्जत से बात कीजिए धनंजय साहब। आप कैसी बातें कर रहे हैं? दूसरा उम्मीदवार और कोई है? हम खाना खा रहे हैं या घास खा रहे हैं? हम अपने नेता को इस तरह इज्जत देंगे? नहीं सर, इससे पहले संजीव प्रसाद CM थे, अब उनके लड़के अर्जुन प्रसाद को ही CM बनना चाहिए। CM अर्जुन प्रसाद जिंदाबाद। 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 पता लगा ही अर्जुन का नाम क्यों? CM अर्जुन प्रसाद जिंदाबाद। CM अर्जुन प्रसाद जिंदाबाद। बैठ जाओ। अरे ये पार्टी की मीटिंग है या मच्छी बाजार है? हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हमें इलेक्शन चाहिए। अर्जुन प्रसाद को CM बनना होगा। CM अर्जुन प्रसाद जिंदाबाद। हमें इलेक्शन चाहिए, अर्जुन प्रसाद को CM बनाना होगा। संजीव साहब भगवान की तरह थे, वो आपके भाई थे, इस धनंजय के चाचा थे। धनंजय 17 साल की उम्र में जेल गया था, उसे जेल से बाहर निकालकर पद दिया, ये आप लोग भूल गए क्या? हमें इलेक्शन चाहिए, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हमें इलेक्शन चाहिए, अर्जुन प्रसाद को CM बनाना होगा। क्या बातें कर रहा तू? तुझे जितना पैसा चाहिए यहाँ आकर ले। पैसों की बात मत कीजिए सर, हमें आपकी बातें सुनकर हंसी आ रही है। अर्जुन जरूर CM बनेगा। क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? पागल हो गए हो क्या? अर्जुन CM कैसे बनेगा? ये बच्चों का खेल है क्या? इसको बुलाता हूँ, बात करो उससे। ठीक है, बुलाता हूँ उसे। कहीं वो अमेरिका जा रहा है, उसको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सब लोग एक साथ मिलकर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ये हमारी समस्या है। अर्जुन को बुलाइए, फोन करके बुलाइए मामा जी को। हम सब एक हैं, आप लोग इसमें क्यों टांगा ला रहे हैं? कौन CM बनेगा कौन नहीं, ये आप लोग क्यों सोच रहे हो? 3000 दे दो। लेट्स गो। सुनो, क्या है? इनसे पूछो अंदर क्या हो रहा है, बता जरा। मैंने बोला था ये किसी को मत बोलिए। नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। अंदर लफड़ा चल रहा है। हे, फ्लैशिंग न्यूज, अर्जुन प्रसाद बैकग्राउंड इमीडिएटली। हम पहले ये सोच रहे थे कि CM संजीव प्रसाद की जगह पर धनंजय CM बनेगा। ये राजनीतिज्ञों में और जनता में, यहाँ तक कि मीडिया के बीच में भी यही चर्चा का विषय बना हुआ था। कई संगठन मिलकर आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि हमारा नया CM कौन बनेगा। मगर अब एक नया नाम सामने आ रहा है, वो डिप्टी CM या होम मिनिस्टर नहीं है, वो है अपने भूतपूर्व स्वर्गीय CM संजीव के बेटे अर्जुन प्रसाद। CM अर्जुन प्रसाद प्रसाद।
श्री अमर अर्जुन प्रसाद, श्री अमर अर्जुन प्रसाद। आपने बुलाया ना? अब बोल अर्जुन, कल इस राज्य का सीएम यह धनंजय बनने वाला है, ये बोल दे इन लोगों को। बोल श्री अमर अर्जुन प्रसाद, श्री अमर अर्जुन प्रसाद, श्री अमर अर्जुन प्रसाद, श्री अमर अर्जुन प्रसाद। धनंजय नहीं चाहिए, धनंजय नहीं चाहिए। मुझसे ज्यादा, मेरी माँ से ज्यादा और परिवार से ज्यादा पार्टी को प्रेम करते थे संजील जी। उन्हें पद का कोई लालच नहीं था, लेकिन जब भी जिम्मेदारी दी गई उन्होंने उसे पूरी तरह से निभाया। 13 साल के अपने कार्यकाल में इन्होंने हर किसी को पूरा पूरा मौका दिया, सबको नाम और पार्टी में जगह दी। उनकी मौत को 10 दिन भी नहीं हुए और पार्टी में पॉलिटिकल लड़ाई शुरू हो गई। पार्टी के लिए किए गए कामों का ये सलाह दे रहे हैं उन्हें? क्या उनकी इच्छा और अधूरे कामों को पूरा करने का फर्ज याद है आपको? संजय भैया मर रहे हैं, मर रहे हैं। मुझे इस दुनिया में दो ही लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, एक तो मेरे पिताजी और दूसरी माँ, और उन दोनों की एक ही इच्छा है। मुझे जन्म देने वाली माँ की पहली इच्छा और मेरे पिताजी संजीव जी की आखिरी इच्छा, मुझे सीएम बनाना। सीएम अर्जुन प्रसाद, 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 संजीव जी आप लोगों के लिए जान देने वाले नेता थे। जो बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए वो मेरे पिताजी थे। उस नेता की आखिरी इच्छा को पूरा करना है या नहीं, ये फैसला आपको करना है। मेरा फर्ज है, इसलिए मैं सीएम के लिए खड़ा हुआ हूँ। वो आप लोगों से प्यार करते थे, इसलिए मैं आपके लिए चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं सीएम का चुनाव लड़ूंगा। सीएम पद के लिए लड़ रहे हैं अर्जुन प्रसाद। सब लोग कह रहे थे कि धनंजय सीएम बनेंगे, लेकिन ये धनंजय के लिए शॉकिंग न्यूज है। आखिरी वक्त में स्वर्गवासी नेता के पुत्र अर्जुन प्रसाद चुनाव में आ गए हैं। अर्जुन प्रसाद, अर्जुन प्रसाद, अर्जुन प्रसाद। 1 घंटे पहले तक किसी को ये नाम मालूम नहीं था, अब पूरे राज्य में इस नाम की चर्चा चल रही है। और अब इससे आगे के अपडेट के लिए हम अपने संवाददाता नेहा चोपड़ा के पास चलते हैं। या राजू, मेरा मानना है कि अर्जुन प्रसाद इज द राइट पर्सन फॉर द सीएम पोस्ट। आप क्या कहेंगे? आखिर क्यों अर्जुन प्रसाद को सीएम बनना चाहिए, क्या खूबी है उनमें? उनमें यही खूबी है कि वो 28 साल की उम्र के हैं, 25 साल में अमेरिकन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD किया है, और वो फॉर्च्यून 500 कंपनी के CEO बनने के लायक भी है, और वो भूतपूर्व सीएम संजीव के बेटे भी है, और यही है बेटर क्वालिटी। धनंजय भी मुंबई विश्वविद्यालय से डिग्री लिए हैं, इनमें राजनीति की पूरी समझ है। 25 साल की उम्र में वो पीपल्स पार्टी के यूथ नेता बन गए थे, और 26 साल की उम्र में वो मंत्री भी बन गए थे। अफकोर्स 15 साल की उम्र में उसके ऊपर मर्डर केस है, ये दुनिया अंटे ये सब जाने दो, अभी गवर्नर रूल सुनना चाहिए, ये मेरा अभिप्राय है। तुम्हारा अभिप्राय गवर्नर रूल है, तो मेरा अभिप्राय है कि अर्जुन प्रसाद सीएम बनेगा। इस पार्टी को बने हुए पूरे 15 साल हो गए हैं, और ये पहली बार है कि हमने अपने पार्टी अध्यक्ष को वोटिंग के द्वारा चुना है। हमारी पार्टी के लीडर और राज्य के नए चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर अर्जुन प्रसाद। अर्जुन प्रसाद जिंदाबाद, अर्जुन प्रसाद जिंदाबाद, अर्जुन प्रसाद जिंदाबाद, अर्जुन प्रसाद जिंदाबाद। ए अर्जुन, क्यों किया ये सब, क्यों किया ये सब? आखिरी इच्छा, संजीव जी की आखिरी इच्छा, तुझे समझ में आया क्या किया तुमने? तुझे क्या चाहिए? पैसा, जायदाद, पावर,
लड़की, जो कुछ भी तू मांगता मैं देता तुझे। मेरे इतने दिनों का सपना तूने मिट्टी में मिला दिया। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? सुनो, मुझे पैसा और जायदाद नहीं चाहिए, वोट देने वाली जनता का भरोसा चाहिए, ये बात जान लो, अच्छी तरह जान लो। क्या चाहिए मौत? कमाल हो गया। हेलो हेलो, मैं अर्जुन बात कर रहा हूँ। कौन? सीएम कैंडिडेट अर्जुन। हाँ सर। कांग्रेचुलेशन सर, आपसे एक छोटी सी बात करनी है। हाँ बोलिए। आपका पोर्टफोलियो और करोड़ों रुपए अरेंज कर रहा हूँ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मैं अभी आ रहा हूं। ये आम आदमी नहीं है, इसके अंदर बहुत खूबियां हैं, लगता है ये इस राज को बदलेगा। अर्जुन, मैं भी चलता हूँ। नहीं मामा जी, धनंजय को आपकी जरूरत है, आप यहीं रहिए। टी शर्ट और जींस पहनकर बर्गर खाने से राजनीति नहीं होती है, मुझे अनुभव है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मामा जी, मुझे राजनीति का अनुभव तो नहीं है, लेकिन राजनीति आपसे कहीं बेहतर आती है। जींस टी शर्ट पहनता हूँ तो क्या, मैं हाफ पैंट पहनकर भी राजनीति कर सकता हूँ। अपना काम कीजिए। शक्ति मेरी भक्ति बन जाए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मैं हर मुश्किल कर दूँ आसान हमेशा, मेरी शक्ति मेरी भक्ति बन जाए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, कुर्सी लेकर आओ, बैठो। नहीं ऐसे ठीक। सीएम बन गए, क्या करोगे आप बताओ ना, क्या करोगे? हाँ, अन्याय को खत्म करना है और साथ ही परंपरा वाली नीति। अन्याय खत्म करोगे तुम, परंपरा वाली नीति खत्म करोगे? अर्जुन, तुम इस राज्य के मुख्यमंत्री हो, सीएम हो तुम, ये सब इतना आसान नहीं है। 60 साल से आप राजनीति का फायदा उठा रहे हैं, अब मैं ये बदलना चाहता हूँ। जो बदलना है वो बदल दो, लेकिन अपने परिवार का ख्याल रखना। परिवार? हमारा परिवार? मैंने वादा किया था, इसलिए तुम्हें सीएम बनाया। अब ज्यादा उछलो मत, धनंजय को भी अपने साथ ले लो, वो भी हमारे परिवार का मेंबर है। ठीक है बड़े पापा, मेरा सीएम बनना उसको पसंद नहीं है, उसको बोल दीजिए मेरे रास्ते में ना आए।
प्रसाद आज राजभवन में सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार पर गरीबों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तेरा बीपी बढ़ जाएगा, ये सब तू मत देख, तू मेरी बात सुन। देखो तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। क्या है बोलिए। तुम अर्जुन के कैबिनेट में होम मिनिस्टर बन जाओ, सबको पैसा खिलाकर उसे मार देंगे। तुम बड़े पापा को अपने साथ मिला लो। बड़े पापा, आधी रात को बारिश में दाना के साथ इस वक्त यहाँ कैसे? मौसी, आपको भी मैं अपनी माँ ही समझता हूँ, ये काम आप ही करवा सकती हैं। अगर आप चाहें तो अर्जुन प्रसाद के कैबिनेट में आप हमें होम मिनिस्टर बनवा दीजिए। बड़े पापा, ऑलरेडी आप वेंकटेश को बड़े पापा ये कैसे? वेंकटेश को बड़े पापा ने पहले ही समझा दिया है, उसे जनरल सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, होम मिनिस्टर का पद मुझे ही मिलना चाहिए। मौसी जी, बड़े पापा आप समझाइए इसे। बड़े पापा, मौसी जी आपने वादा किया था। मैंने अपने पति को खोया, मैं कुछ नहीं बोली, मैं अपने बेटे की जान से नहीं खेलूंगी, पर दाना होम मिनिस्टर बन गया तो हम कठपुतली बन जाएंगे। आप अन्याय मत कीजिए और दूसरा पोर्टफोलियो मांगने के लिए कहिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। बड़े पापा, मां इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं धना को होम मिनिस्टर बनाऊंगा। ए धना, मैं अर्जुन प्रसाद आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ करूंगा, इस बात की शपथ आप सब लोगों के सामने लेता हूं। सर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। हेलो सर। कीप इट देयर, हम आपके पापा के स्टाफ हैं। आई एम शर्मा, चीफ सेक्रेटरी। डू यू अपॉइंट समबडी एल्स? थैंक यू, बट नो, आप अपनी अपनी पोजीशन पे कंटिन्यू रहिए। थैंक यू सर। बाय द वे, दिस इज अली एंड दिस इज रति। हेलो फ्रेंड्स, समझो या कुछ और? लगता है पर्सनल है। सर पर्सनल मतलब पैसा लेकर काम करने वाले नहीं है ये लोग ब्रोकर नहीं है, मेरे दोस्त हैं। Exactly. मुझसे कुछ कहने में परेशानी हो तो इनसे कह सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी के बारे में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक सूत्रीय कार्यक्रम, बस और कोई नीति नहीं। ओके ठीक है जेंटलमैन, लेट्स ब्रेक। शर्मा जी और महेश जी मेरे साथ आइए। ओके सर। शर्मा जी, सर मुझे हाई कमांड की तरह ऑनेस्ट और हाई क्वालिफाइड पीपल चाहिए, एक साल मेरे साथ काम करना होगा, हर महीने 5 लाख तनख्वाह दूंगा, मगर एक शर्त है, ऊपर की कमाई बिल्कुल नहीं होगी। पॉसिबल है? 500 लोग? जिम्मेदारी वाला काम है सर, नहीं मिलेंगे। 5 लाख कमाने वालों का फ्लैट होगा और कार होगी, उसे करोड़ कमाने की इच्छा होगी, वो 5 लाख में नहीं रुकेंगे। शर्मा जी पता है आप क्या कह रहे हैं? एक पूरे के पूरे राज्य में 500 ईमानदार लोग नहीं मिल सकते, ये बोलने में आपको शर्म नहीं आती? मैं क्यों शर्म करूं? क्यों करूं?
ऐसे लोगों के साथ रह रहकर शर्म खत्म हो गई है। ऐसे अनपढ़ गवार पॉलिटिशियन ने अपने दिमाग से इतना पैसा जमा कर लिया सर, नहीं मिलेंगे। सॉरी सर, मैं ज्यादा बोल गया। कोई बात नहीं, मैं न्याय के साथ काम करने वाले लोग चाहता हूँ, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना? आज न्याय से काम करना एक चैलेंज जैसा है सर। एक मिनट सर, एक और बात है, आप वैश्यवृत्ति बंद करेंगे स्टेटमेंट के बारे में मुझसे मत बोलिए सर। इस विषय को लेकर सबके सब हंसते हैं सर। आप तो सीएम हैं, हमें आपकी बात सुननी होगी। आपके पिताजी लड़कियों के दीवाने थे और यही राजनीति का सत्य है। मुझे आपकी बातों पर हंसी आ रही है सर, आई एम सॉरी। किसी ने कभी मुझे ऐसा करते हुए देखा? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अभी जो ब्यूरो बना है उसमें 200 लोग काम कर रहे हैं। मैं इनको बढ़ाकर 2000 करता हूँ और उन्हें पूरे अधिकार देता हूँ। उनको चाहिए स्पेशल कोर्स और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूवल। ये लोग कहीं भी जा सकते हैं। हमारा एक ही गोल है, सिर्फ एक साल के अंदर 1,00,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी बाहर निकालनी है। यही मेरी इच्छा है और इस कार्रवाई को हमारी जनता रोज टीवी पर और न्यूज़पेपर में पढ़ सकती है। नेक्स्ट फेज और इस पैसे को कहां और कैसे खर्च करना है ये कैबिनेट कमेटी डिसाइड करेगी और इसकी कार्रवाई भी आप टीवी पर रोज देख सकते हैं। ये सच है, मजाक नहीं। ये मत सोचिए कि मेरा पेट भरा हुआ है तो दूसरों के पेट पर लात मार रहा हूं। मैं जनता के साथ कोई कपट नहीं करना चाहता। मेरे पिताजी ने बेईमानी से 25,000 करोड़ रुपए कमाए। ये रुपए मैं अभी के अभी पब्लिक फंड में जमा करवा रहा हूं। So, अब हमारा टारगेट है 75,000 करोड़ रुपए। दिए हैं और आज सीएम साहब ने भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने की मुहिम छेड़ दी है और इसीलिए सभी कर्मचारियों को सूचना दे दी गई है कि किसी भी प्रकार की नरमी ना बरती जाए, दोषी को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। सीएम साहब, मैं कल तक 500 ऑनेस्ट लोगों को अपॉइंट कर दूंगा। आपने तो कहा था नहीं मिलेंगे। सर, जब आप जैसे लोग मिल गए हैं तो वो भी मिल जाएंगे। मैंने 30 साल की नौकरी में इस पद पर आने वाले लोगों को अपने बारे में सोच सोच कर अपनी 7 पीढ़ियों के लिए पैसा जमा करते देखा है, मगर आपने अपने लिए एक भी पैसा जमा नहीं किया है सर। आपने बहुत बड़ा काम किया है सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। सर, आपकी सिक्योरिटी हमें और टाइट करनी पड़ेगी। हमें इंटेलिजेंस से खबर मिली है, यू नीड टू हैव ए सेट करियर प्रोटेक्शन सर। तो ब्लैक कमांडोज के बीच रहना पड़ेगा। ओके, एक बात और सर, आपके नजदीकी रिश्तेदारों से भी आपको खतरा है। ग्रुप भी है सर, वी कैन मूव टू इंटेरोगेट, मगर पॉलिटिकल इशू होगा ये कह रहे हैं। कौन कह रहा है? धनंजय से सर। हमने उसके फोन टैप किए हैं। नो, उन्हें कुछ मत कहो, उससे कुछ कहेंगे तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी। सर, ये सीरियस मैटर है सर, आप इसको इजी मत लीजिए। पहले मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, उसके बाद देखते हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए वसूल करने हैं, उसके बाद खर्चा करने के बारे में सोचेंगे, उसके बाद मैं मानने को तैयार हूँ। मुझे रुला दिया, देखो सचमुच रुला दिया। मम्मी डांटेगी तो मुझे परवाह नहीं है, मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, बस एक किस दे दो, एक किस दे दो ना, दे दो ना एक किस। कितना पागल है, इतना चांस देती हूँ फिर भी फायदा नहीं उठाता। अर्जुन प्रसाद पर अनजाने लोगों ने जानलेवा हमला किया। राज्य में सीएम को लेकर चिंता फैली हुई है, अभी अभी पता चला है कि सीएम खतरे से बाहर है। अर्जुन, आओ माँ, कुछ नहीं हुआ माँ, बैठो। बाप रे, रो मत माँ। ये क्या हो गया? रो क्यों रहे? क्या हुआ? तू तो अमेरिका जाने वाला था ना, मेरी वजह से सब हुआ। बस करो माँ, क्या हुआ है? ये सब लोग है ना मुझे बचाने के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट भी दिया।
चले जाओ, इस देश से न्याय नाम की चीज खत्म हो गई है। सब लोग राक्षस हैं। तुम्हें इन सब के बीच में रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं किस्मत वाला हूँ जो मुझे ये मौका मिला है। कुछ तो है माँ इस पद में। मेरा गुस्सा, अपना पराया, घूमना फिरना, ये सबका सब खत्म हो गया। अब तो मुझे मौत से भी डर नहीं लगता माँ। ऐसी बातें मत करो। ये सब ठीक नहीं है। अरे लोगों को पता चला तो चप्पल से मारेंगे। पॉलिटिक्स करो वो गलत नहीं है, लेकिन इस तरह नहीं। अर्जुन सीएम बनना चाहता था इसलिए आपने मुझे पीछे हटा दिया। बहुत गुस्सा आ रहा है बड़े पापा, मुझे जलन हो रही है उससे। छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धनंजय, इस तरह से बात नहीं करते, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है। अगर अभी हम जाकर उससे नहीं मिलेंगे तो तुम जेल जा सकते हो। ए, अब वो कोई आम आदमी नहीं है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जब वो किसी पोस्ट पर नहीं था तब उसने तुम्हें हिला दिया था, और अभी तो वो सीएम है। चलो। कैसे हो अर्जुन? अच्छा हूं राजेश्वरी। बड़े पापा, मैंने गलती की जो चुप रह गया। कल तक उसका इस्तीफा मेरी टेबल पर होना चाहिए, वरना उसे जेल भिजवा दूंगा। मुख्यमंत्री अर्जुन प्रसाद पर जानलेवा हमला होने के कारण राज्य के होम मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। यहाँ मेरे पिताजी बैठते थे, प्रजा के प्रतिनिधि बनकर, प्रजा के द्वारा, प्रजा की भलाई के लिए। ये विधानसभा राज्य के 8 करोड़ लोगों की किस्मत को चमकाने वाला मंदिर है। नमस्ते, नमस्ते। मुझे भी नहीं रहने दो। आई इसी कुर्सी पे आपके पिताजी बैठते हैं। थैंक्स। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, कॉन्सिफिकेशन ऑफ दिस प्रपोजल असेस्ट एंड प्रोसिक्यूटिंग देन स्पेशल कोर्ट इमीडिएटली। महोदय, ब्लैक मनी को तुरंत बाहर लाना है। स्पेशल कोर्ट के जज के सामने ये सब होगा। ये मेरा प्रपोजल है। आप कहिए। एसीबी को बढ़ाना चाहिए। स्टेट के हर डिपार्टमेंट, हर प्रोफेशन, एमएलए हो या मिनिस्टर हो, सबकी जांच करने का एसीबी को अधिकार होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सीएम साहब जो कहना चाहते हैं उसमें क्लियरिटी नहीं है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनके अनुसार गवर्नमेंट को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वी विल टेक परमिशन फ्रॉम द इनकम टैक्स। मैंने ऑलरेडी पेपर सबमिट कर दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम हर साल 1000 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाते रहते हैं। इस 1000 करोड़ रुपए में से हर साल 800 करोड़ का घोटाला हो जाता है। ये सच है और ये बात सभी लोग जानते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। व्हाट इज दिस? बैठ जाइए। ये सच है, सभी जानते हैं ये सच है। इसके बाद भी सब लोग चुपचाप खड़े देखते रहते हैं और घोटाला होता रहता है। हमें शर्म आनी चाहिए। हाँ ओके ओके। सीएम जी आप आगे बोलिए। देश कभी किसी एक आदमी से आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे दादाजी कहते थे हमने खून बहाकर अपने देश को आजाद कराया। ये सच है और अब हम देश को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ा पाए। बाद में पिताजी ने भी यही कहा, लेकिन बढ़ा पाए? वो भी नहीं बढ़ा पाए। आज मैं कह रहा हूँ, कल मेरे बेटे बेटे भी यही कहेंगे, लेकिन नहीं बढ़ाएंगे।
अन्याय को खत्म करने के लिए बातें नहीं काम करना होगा। हेलो सर, कैसे हो? ठीक हो सर। कैसा रहा पहला दिन? अच्छा था। बिल पास होगा कि नहीं सर? चांस ही नहीं है। अन्याय करने वालों को सजा देने में ये लोग साथ क्यों नहीं देंगे सर? हत्याएं करवाएंगे, ऐसे खाएंगे, ऐसे फेंकेंगे। इनको पकड़ो तो दो दिन में आराम से बाहर आ जाते सर, कब तक ये दुर्भाग झेलना पड़ेगा? कानून कड़क करना चाहता हूँ तो ये लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? इसलिए मेरी बात मानो, बैठो। ये गलत है, हमारा पैसा जा रहा है, हमें न्याय की क्या जरूरत है? इस तरह का कानून अगर तुम बनाओगे तो देश को बढ़ाने का काम अपने हाथ में नहीं रहेगा ना। हा? ये लोग नहीं जानते क्या? ये लोग पागल तो नहीं है? इनके सवालों का जवाब कैसे देंगे? वो सवाल भी नहीं करेंगे, हम जवाब भी नहीं देंगे। एक आदमी मेहनत करके चिकन बिरयानी लाएगा, हम उसका चिकन बंद करेंगे तो वो दाल चावल खाएगा। अगर दाल चावल बंद करेंगे तो वो दही चावल खाएगा। अगर हम चावल बंद कर दें तो यहाँ वहाँ देखेगा, फड़फड़ाएगा। उसी समय हम कर देंगे राइस फ्री। उसके बाद वो अपनी चिकन बिरयानी को भूलकर जैसा हम चाहेंगे वैसा रहेगा। यही समाधान है और यही पॉलिसी है। लेकिन ये तो गलत है ना? नहीं नहीं, लोग हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। ऐसे रहेंगे तभी हमें वोट मिलेगा। उनको वैसा ही रहने दो, हमको उनसे कोई लगाव नहीं है, उनको हमसे कोई लगाव नहीं। हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं। आप ये दुनिया कब छोड़ रहे हैं? हाँ, अपना हाथ दिखाइए सर। आपकी उम्र 87 साल की तो होगी। जवानी में गांधी जी को देखा होगा और शायद नेहरू जी को भी देखा होगा। कितना ज्ञान है, कितना अनुभव है, लेकिन किस काम का? आप जिंदगी से खुश नहीं है। आखिर क्या फायदा इतना पैसा रखने का? सुनो, जरा हाथ देना। मैं आप जैसों को नहीं उठाता। सर, क्यों? बिल पास होना चाहिए या नहीं? हाँ सर। फिर तो एमएलए, मिनिस्टर और गवर्नमेंट सर्वेंट को एसीबी वाले रेड नहीं करेंगे। बस समझ जाओ, अगर तुमने ये बात कह दी तो मेरी बात मानो, बिल जरूर पास होगा। सीएम अगर कंटिन्यू कीजिए। अध्यक्ष महोदय, एक सुधार करना चाहूंगा। ये बिल एमएलए और जनता के प्रतिनिधियों पर काम नहीं करेगा। ऑल एमएलए एंड पीपल रिप्रेजेंटेटिव वुड बी एग्जेम्प्टेड। सीएम जी कंटिन्यू कीजिए। अन्याय की बात तो करना चाहते हैं पर कानून नहीं बनाना चाहते, बस इतना ही। नाउ हाउस इज एडजॉर्न्ड। दिस मूवी इज एनकोडेड बाय डॉक्टर स्टार। अब तो हंस दो। क्यों सर, असली चोरों को तो छोड़ ही दिया मैंने। ठीक कहा तुमने। तुम्हें जो पावर मिला उसकी ताकत तुम नहीं जानते। छोटी छोटी मछली पकड़ोगे तो शार्क मछली नहीं मिलेगी, फिर वो जगह से हिल जाएगी। उसको भूख ज्यादा है इसलिए वो खाना ढूंढेगी। फिर तो आप भी लपेटे में आ जाएंगे सर। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? तुम में दम तो है। तुम इस पद पर 6 महीने से ज्यादा नहीं रहोगे। अगर एमएलए तुम्हारे बारे में जान गए तो गए काम से, मगर आज का हाउस चला एक छोटा सा सेटिस्फेक्शन। हाँ, तुम गांधी जी वाला डायलॉग अच्छा सुनाया तुमने। हाँ, वो तुमने कहा था कि मैं इस दुनिया को जल्दी छोड़ दूँ, 2-3 साल तो रह सकता हूँ ना। एक्स सर्विसमैन रामाचंद्रन। हेलो, सिट डाउन प्लीज। सर, 200 लोग हैं। वी कैन स्टार्ट आवर वर्क इमीडिएटली। वी आर टेकिंग ऑल सेल फोन्स। रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सबके फोन टेप कर रहे हैं सर। वी आर वेटिंग फॉर योर गो हेड। ओके जेंटलमैन, शर्मा जी यू कैन गो हेड। पहले सिंगर गैंग को पकड़िए। ऑल द बेस्ट फॉर अ बेटर इंडिया। थैंक यू। क्या कर रही है? हाँ, बर्तन नहीं साफ कर रही, मुंह क्या देख रही है? पागल गैंग, कौन हो आप लोग? मेरे पति पागल है। ये सब कौन है क्या? बोलिए। अब कोई मुजरिम न बचेगा।
पकड़े जाएंगे सब दुश्मन। अच्छाई की आज भी आईटी रेड में 22,000 करोड़ रुपया मिला है। सीएम హ్యాపీ బర్త్డే మనలో ఒక్కడు సీఎం పకడే జాయేంగే సబ్ దుష్మన్ हमारे घर में आज रेड हो गई है। अगर हमारे घर में ऐसे रेड होती रहेगी तो हम गवर्नमेंट के लिए क्यों काम करेंगे। आज हमने 25,000 करोड़ रुपया कलेक्ट किया है। गरीब लड़की लड़कियों को पढ़ने के लिए हर महीने 500 रुपए देने की घोषणा की है और किताबें भी मुफ्त में मिलेगी। सबका प्यारा प्यारा एसीबी की रेट से सरकार को अभी तक 25,200 करोड़ रुपए मिले हैं। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे बोल रहे हैं। और मैंने पार्टी में कितना पैसा दिया आपको पता है? 2 दिनों से सीएम से मिलने के लिए खड़ा हूँ। जानते हो कौन हूँ? डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरा साला है। बोलो कितना पैसा चाहिए, मैं उसके मुंह पे मारता हूँ। क्या आप मेरे घर में रेड कर रहे हो? रेड रिश्तेदार के घर पर नहीं कर रहे हैं, जो ब्लैक मनी है उसे बाहर निकाल रहे हैं। अरे चलो बाहर क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, क्या कर रहे हो? नहीं भाई, ये सीएम बहुत खतरनाक है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से चले जाओ। ठीक है सीएम भाई, यहाँ आओ। सीएम मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि रिश्वत मत लो। अरे अब ये कह रही हो? पहले तो पैसा पैसा कर दी थी। मुझे मत छुओ, आपकी वजह से मुझे स्कूल में कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। इस राज्य में कई जगह एसीबी ने रेड किया है, लेकिन कुछ लोग इस रेड का विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे माँ बाप बहुत मेहनत करके पैसे जमा करते हैं और ये लोग रेड के नाम पर हमें लूटते हैं। कृपया इस रेड को बंद कीजिए, मैं इस सीएम को कभी भी वोट नहीं दूंगी। सिनेमा एक्टर्स, डॉक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, हमने सबके घर पर रेड किया है। दे वॉन्ट टू मूव लीगली। लॉयर्स की मीटिंग बुलाई है। जेंटलमैन, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। लोग इसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें नहीं रुकना है। इस राज्य में एसीबी रेड्स किसी भी हालत में नहीं रोकनी चाहिए। इसके बारे में क्या कर सकते हैं बताइए। आपका कहने का मतलब सीएम साहब का काम है कि वो सरकार को अच्छी तरह से चलाए, और इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। होम मिनिस्टर साहब, इस राज्य में एसीबी रेड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एसीबी वाले जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। इस विषय में सीएम से बात करने वाले हैं। यहाँ क्या हो रहा है आप लोग की समझ में आ रहा है? आपकी जानकारी के बिना आप लोगों का पेट काटा जा रहा है। आपको थोड़ा खिलाकर सब खा जाएगा एक दिन, देख लेना। कल आप लोगों को भी नहीं छोड़ेगा, देख लीजिएगा। नमस्ते धनंजय जी, कैसे हैं? नमस्ते सर। आइए सर, आइए सर, बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए। सर आप भी जानते हैं, मैं इन्हें समझा रहा हूँ, वो आप लोग के पेट पर लात मार रहा है। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, मेहरबानी होगी। सर उसको हम हटा देंगे, ये सीम हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अभी हमें डिप्टी और होम मिनिस्टर से मिलना होगा। सर आपका विरोध शुरू हो गया है। सर सभी एमएलए आपके विरोध में हैं। 83 एमएलए के रिश्तेदारों के घर एसीबी वालों ने रेड किया है। सर सब आपसे नाराज हैं। सर ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको सीएम बनाता हूँ, आप होम मिनिस्टर। मेरे लिए पार्टी प्रेसिडेंट ठीक है, उस अर्जुन को नीचे उतारना है। इसके लिए आप लोगों की जरूरत है। 1,00,000 करोड़ रुपए का पब्लिक फंड आप लोगों के हाथ में आएगा। इसमें आपका क्या है? अर्जुन की मौत। सर कहाँ हैं आप? सर सर वो कभी भी पार्टी मीटिंग रख सकता है। सर सर उसका टारगेट आने वाला इलेक्शन नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ उसका टारगेट है आपको हटाना। एमएलए का टारगेट आपको किसी भी तरह चीफ मिनिस्टर के पद से किसी भी तरह हटाना। अभी भी आप लोग सोच रहे हो उस धनंजय को एनकाउंटर में मार दो? उसने कितने लोगों को बर्बाद किया है। उमेश जी आप उनको मार दीजिए, आपके लिए कॉमन है ना, बना कर लीजिए। डिप्टी सीएम क्या कर रहे हैं? ये उसका ड्रीम है सर। अभी तक वो धनु के खिलाफ था, लेकिन अब उससे मिल चुका है। मनोहर से मिले, वो सपोर्ट देगा? आज ये कल मिलने वाला है सर। वहाँ एमएलए सभी डर गए हैं, हमारे एसीबी वाले कभी भी रेड कर देंगे इस बात से कांप रहे हैं सर वो लोग। सर आपको सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, बड़े पापा। बड़े पापा? हाँ सर, पर सर बड़े पापा से मिलने से अपना काम हो जाएगा ऐसा मेरा मन कह रहा है। 1 करोड़ रुपए ऐसे ही खा जाएंगे क्या?
नो डाउट सर। सर सर मेरी बात मानिए, आप जरूरत नहीं है, पार्टी की मीटिंग बुलाओ। ठीक है सर। सॉरी रियली सॉरी, मेरी तरफ से, मेरी एसीबी की तरफ से रियली सॉरी। जाने अनजाने जो हमसे गलती हुई है उसके लिए माफ कर दीजिए। देश के लिए, राज्य की भलाई के लिए आप सब लोग साथ देंगे तो 1 लाख का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लोगों को लगता था कि हम उनकी भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज आईटी ऑफिस में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, म्यूनिसिपल ऑफिस में, हर जगह लोग रिश्वत लेने से डर रहे हैं और यही हमारी जीत है। आप लोगों का साथ चाहिए, मैं 2 सालों के अंदर इस राज्य का भविष्य बदल कर रख दूंगा। आप कैसे सीएम है, राज्य की प्रगति के लिए कहते हैं, हम कमाए तो गलत है, हमारे पास कुछ नहीं इसलिए पॉलिटिक्स में आए हैं। चलो भाई यहाँ से चलते हैं। तो आपके रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, आपके सालों को, आपके बेटों को, आपके कजिन्स को, तब तो आप खुश होंगे ना? क्या आप हमें चोर समझते हैं? सिर्फ मैं ही नहीं, रिश्वत, भ्रष्टाचार और घोटाला करने वाला हर कोई अपने बारे में यही बात कहता है, और हमें इस पर शर्म भी नहीं आती। अरे 2 कार से हमारा काम चल सकता है तो हम 20 कार खरीदने का लालच क्यों करते हैं? बेकार की जायदाद इकट्ठी करने के चक्कर में हम चोर बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। ठीक है ये सब बातें भूल जाइए। भूल जाइए, ये सब कुछ भूल जाइए। कमाइए चाहे जितना कमाइए, कोई बात नहीं, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए छोड़ दीजिए प्लीज। 1 लाख करोड़ रुपए देश के लिए छोड़ दीजिए, मेहरबानी होगी। क्या हुआ? मैंने बोला था ना कि जींस पैंट पहनकर पिज्जा बर्गर खाने से राजनीति नहीं होती है। मैंने भी कहा था ना मामा, पॉलिटिक्स का मतलब दूसरों का पैसा लूटना नहीं है। जब तक ऐसे नेता रहेंगे ना इन्हें समझाया जा सकता है ना देश सुधरेगा। मैं हार गया माँ, 1 हफ्ते में ही हार गया। चिंता मत करो, तूने कभी सीएम बनने के बारे में नहीं सोचा था, जाने दो। इसकी चिंता नहीं है माँ, लेकिन इतना सारा पैसा हमारा नहीं जनता का, ये सब बर्बाद हो जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए, मैं सबको बदलना चाहता था लेकिन सारी मेहनत बेकार गई। तेरे पापा के मरते वक्त भी तू इतना परेशान नहीं था, और आज लोगों का पैसा डूब रहा है ये सोचकर तू रो रहा है। मुझे बहुत गर्व है, तुझे लोग नहीं छोड़ेंगे, मैं जानती हूँ। हेलो, क्या आप अर्जुन सर बोल रहे हैं? मैं अर्चना। हेलो, कौन है आप? डू यू रिमेम्बर मी? यहाँ मोहन नाम का एक पुलिस वाला है, वो जो गांव की पुलिस स्टेशन में है, उसकी बहन को एमएलए के लड़के और उसके दोस्तों ने मिलकर रेप करके मार दिया है। एमएलए के लड़के को गिरफ्तार करवाने के लिए मोहन पुलिस स्टेशन के सामने भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, 5 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है। कौन है आप? मेरा नंबर आपके पास कैसे आया और इस समय फोन क्यों किया? क्योंकि सिर्फ आप ही उसे न्याय दिला सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से भूख हड़ताल पर बैठा रहेगा। तो इसके लिए दिन में भी तो फोन कर सकती थी, इतनी रात में फोन क्यों किया? मैं क्या कर सकता हूँ? आप सोशल वेलफेयर मिनिस्टर को फोन कीजिए, ये उनका काम है, वही आपकी आकर मदद करेंगे। सीएम साहब, उसकी जान खतरे में है, कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं, सिर्फ आप ही उसकी मदद कर सकते हैं।
अगर उसे मदद नहीं मिली तो वो मर जाएगा। कोई परवाह नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको करना होगा। जनता को अपने लिए खुद लड़ना होगा, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन सर प्लीज, आप हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्लीज मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। अर्जुन, अर्जुन गुड मॉर्निंग। कॉफी? थैंक्स। अंदर सोना चाहिए था ना? हाँ, यही नींद आ रही थी माँ। अर्चना मनोहर की बेटी है, उसकी पर्सनल जानकारी, फैमिली की जानकारी मुझे एक घंटे के अंदर चाहिए। वो बोलकोल में सूरज का केस कवर कर रही है। आई थिंक शी वर्क्स फॉर टीवी चैनल्स। ओके सर, अभी क्या जरूरत है? अली, इस समय सरकार बचाने के लिए मनोहर का साथ होना जरूरी है, और मनोहर को साथ लाने के लिए उस लड़की की जरूरत है। सो गेट मी द डिटेल्स क्विक सर। उस लड़की का नाम अर्चना है, मनोहर की लड़की, मतलब मनोहर की दूसरी बीवी की लड़की है। इंडिपेंडेंट है, वेल बैकग्राउंड है। सर मैंने पता लगाया है कि वो अपने एक रूममेट के साथ एक अपार्टमेंट में रह रही है। मास कम्युनिकेशन किया है बिशप कॉलेज बैंगलोर से, और अभी एक टीवी चैनल की ओनर है। पसंद का कलर रेड है, फेवरेट गेम क्रिकेट, और खूबसूरत है लेकिन बहुत गुस्से वाली है। वो अपने बाप से नफरत करती है सर, पिछले 12 सालों से अपने बाप से बातचीत बंद है। लेकिन मनोहर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, वो उसके लिए कुछ भी करेगा सर, कितना ही। किसी से प्यार करती है? मतलब कॉलेज डे में तो कोई भी नहीं सर, लड़कों को थप्पड़ मारना, चप्पल मारना, ये सब काम किया, लेकिन उसे ऑनेस्ट लड़के बहुत पसंद हैं। आजकल सर एक लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है, मैंने देखा है सर। ऑनेस्ट फेलो? मतलब ऑनेस्ट होने का नाटक कर रहा है सर। तू एक काम कर, अगले 10 दिन तक वो लड़का उसके पास नहीं आना चाहिए। ठीक है सर। तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है सर? खेलने के लिए जा रहा हूँ। क्या सर? मैं कहा था ना उसे क्रिकेट पसंद है, बॉलिंग करने जा रहा हूँ। हाय अर्जुन, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? कुछ काम से जा रहे हैं। कुछ सोल्यूशन मिला है क्या? प्लानिंग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत परेशान है, सारी रात सोए भी नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो सुनो रति, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूंगी? मेरी मदद नहीं, अर्जुन की मदद करनी है। मैं तो डेफिनेटली करूंगी। वेरी गुड। वो बात क्या है ना, एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करना चाहता है, तुझे उसको रोकना होगा, उसको कंफ्यूज करना होगा। लवर्स को मैं अलग नहीं कर सकती। इस काम से अर्जुन को मदद मिलेगी। ठीक है, करती हूँ। लाना? ओके सर। नहीं नहीं बैठ जाओ सर। कुर्सी सर, कुर्सी में बैठिए सर। कोई बात नहीं, तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो? आप मुझसे वादा कीजिए उसको छोड़ेंगे नहीं। सर जूस। थैंक्स, पियो। मैं कुछ करता हूँ, तुम जूस पियो। इसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। ओके सर। सीएम नहीं आएंगे ऐसा कहा था ना अर्चना।
अपना काम खत्म करके मुझसे मिलो। मिलोगी ना अली? इसे साथ में लेकर आना। अर्चना, सीएम जी बुला रहे हैं। अरे क्या नखरे कर रही है, जाके मिल लेना। सीएम तुझसे खुद मिलना चाहते हैं और तो मिलना नहीं चाहती। मैं नहीं जाने वाली, समझे तुम लोग? तू पागल है क्या? सीएम बुला रहे हैं और वो भी इतने हैंडसम सीएम। अर्चना, ही इज वेटिंग। हे, क्या कहा तुमने? सीएम वेटिंग। गो, व्हाट्स रॉन्ग? राज्य के सीएम बुला रहे हैं। सॉरी अर्चना, कल रात को टेंशन में था, लेकिन थैंक यू, मुझसे अच्छा काम करोगे। टेंशन में तो सब होते हैं सीएम साहब, लेकिन झूठ बोलने की आदत आप पॉलिटिशियंस की ही होती है, ये तो आपके खून में ही है। आप क्या मदद करेंगे, आप भी तो। गलती मेरी है, आपसे इतनी उम्मीद की, यही मेरी गलती है। चलती हूँ मैं। अर्चना रुको तो, मेरे साथ डिनर करोगी? हैदराबाद में मेरा घर है। ए रुको रुको, बैठो तो, एक मिनट बैठो तो सही, प्लीज प्लीज। बैठ। सुनो, मैं एक भाव सीएम हूँ, तो मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए एक बार हंस के मुझे ओके कहना पड़ेगा, ओके? भरोसा कैसे करूँ मैं, सब पॉलिटिशियंस एक जैसे होते हैं। अरे सीएम क्यों समझते हो, मुझे एक लड़का समझो। ठीक है, रात को मैंने कुछ कह दिया होगा, लेकिन सुबह 6 बजे मैं बटालियन लेकर गया था ना, तो मुझ पर भरोसा करो या ना करो, लेकिन मैं करता हूँ। अब सुनो, कल 8 बजे तुम मेरे पास आओगी। बाय द वे, यू लुक ब्यूटीफुल। అతను కలవడానికి వెళ్తున్నాను సార్, సాయంత్రం 6 గంటలకు సార్, ఆపేద్దామా? ఆపే. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఎస్. అర్జెంట్ గా అసెంబ్లీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ప్లీజ్. గెట్ ఇన్. ఇంత మారిపోయింది నీ దేశం, చాలా ఫీల్ అవుతున్నాను. గంట నుంచి ఒక అమ్మాయి రోడ్ మీద నుంచొని లిఫ్ట్ అడిగితే ఇచ్చే దిక్కు లేదండి, పెట్టిపోతున్నా. అసలు రామ్ గారు మీరేమీ అనుకోవద్దు, కానీ మీలాంటి మంచి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ఈ ప్రపంచంలో? ఆ కన్సర్న్, ఆ ప్రేమ, ఒక చిన్న ఫీల్ లేదండి, పెట్టిపోతున్నా. ఈరోజు మంచి మూమెంట్ అండి, అంటే మిమ్మల్ని కలవడం. ఓ, ఆర్జే రత్నప్రభ గారా? నేను మీ పెద్ద ఫ్యాన్ అండి. యాక్చువల్లీ నేను జనీలే లాగా అందరినీ నవ్వుస్తూ ఉంటాను, కానీ భూమిక టైప్ అండి. ఈ సమాజం, నేచర్, పావర్టీ, అవన్నీ నన్ను. అయినా అయినా రామ్ గారు, నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడుగుతాను, మీరు కాదనుకుంటు అడగండి. ప్రామిస్? ప్రామిస్. మీరు నాకు ఒక కప్ కాఫీ తాగుతారా? మై ట్రీట్ సంహౌ, ఐ డోంట్ నో, కానీ మీరు చాలా క్లోజ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఓకే. పెట్రోల్ అంతా లీక్ అవుతుందండి. షిట్. హలో మేడం. దగ్గరలో ఏదైనా సర్వీస్ సెంటర్? సర్వీస్ సెంటర్ ఏదైనా అంటే, ఇక్కడ సీఎం గారి గెస్ట్ హౌస్ ఉంది. సీఎం గారి గెస్ట్ హౌస్? యా సార్, క్రికెట్ ఆడుతున్నారు, మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. వెళ్దాం పదా, లగేజ్ తీద్దాం దారా, కమ్ ఆన్. షల్ వి గో? Come, come. Come on.
మీరు ఎంత సింపుల్ గా ఉన్నారు సార్. నేను మీలాగండి, జస్ట్ లైక్ యూ. ఏదో అదృష్టమో దురదృష్టం సేమ్ అయిపోయినంతే. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. క్రికెట్ ఆడతారా? ఆడదాం సార్. రన్, కమ్, లెట్స్ గో. ఓకే, నువ్వు రా, నువ్వు వెళ్ళు. నేను సాజిటేరియన్. నేను కూడా సాజిటేరియన్. దిస్ ఇస్ సంథింగ్, దిస్ ఇస్ టూ గుడ్ అండి. మ్యామ్ గారు, నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడుగుతాను. మీరేమీ అనుకోవద్దు. అడగండి. నిజంగా? నిజంగా. మీరు సింగిలే? हेलो, मैं सीएम बोल रहा हूँ. फोन क्यों किया? 8 बज गए, मैं वाटर पार्क में हूँ. मैं लेट हो जाता तो कहती पॉलिटिशियंस को टाइम की कीमत नहीं. हेलो, मैंने कहा था ना मैं नहीं आने वाली. ओ, अभी तक शुरू नहीं हुआ है. कोई बात नहीं, आई विल वेट. सीएम साहब, आई एम नॉट कमिंग सर. हाँ बोलिए. कहाँ? यहाँ सर. हेलो, आपकी आपको कैसे सीएमओ मुझे वाटर पार्क में बुलाकर मेरा टाइम वेस्ट करवाया. मैंने कहा था ना मैं नहीं आऊंगी. क्या आपको ये लग रहा था कि मैं मजाक कर रही हूँ? हाँ अच्छा ना, मैं ऑफिशियल काम से आया, ये फाइल देख रहा हूँ. कौन सा काम बताइए? देखो फाइल देख रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ. अच्छा ना, मैडम, मैडम, गुड इवनिंग मैडम. मोहन, तुम यहाँ कैसे? मेरा ऑफिस है मैडम. सीएम साहब ने मुझे एसीबी डिपार्टमेंट में नौकरी दी है. 5 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है. मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ. सीएम साहब अकाउंट चेक करके पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं. सबूत सामने आ जाएगा मैडम. पी थैंक्स. ओके मैडम. मैडम, सर, आई एम सॉरी सर. कॉल मी अर्जुन. अर्जुन, आप तो सीएम है. तो आप नाराज तो नहीं है ना? मैं तो डर गई थी. आपको गुस्सा नहीं आता क्या? पहले आता था, सीएम बनने के बाद नहीं आता. मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए ना? और तुम? कॉलेज में अनगिनत लड़कों को चप्पल से मारा है. आप अपने बारे में बताइए. मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है. सीएम का लड़का हूँ, स्कूल में टॉप था, मैथ्स में पढ़ा. लाइफ तो काफी इंटरेस्टिंग रही है. सॉरी सॉरी, बोलिए. मेरा क्या है, सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, यही मेरी लाइफ है. सर, होम मिनिस्टर का फोन है. ओके ओके, मैं बात कर लूंगी सर. पर्सनल फोन नहीं है आपके पास? गर्लफ्रेंड फोन करेगी तो? आपकी गर्लफ्रेंड है ना? नो नो, मेरा मतलब वो नहीं था, जनरली पूछ रही हूँ. फ्रेंड्स हैं, उनमें से कुछ गर्ल्स भी हैं. वो सब नहीं, यूएसए में डेटिंग वगैरह. स्टूडेंट था तब करता था. और अभी? पसंद नहीं है. और तुम्हें? आप मुझे पर्सनल इंटरव्यू देंगे? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं पहले बताइए. इंटरव्यू देंगे या नहीं बताओ तो सही. तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ कहेंगे तो बताऊंगी. ठीक है, अब बताओ. आप तो सीएम है, स्टेटमेंट देने में एक्सपर्ट है. एनीवे, मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं आया. थैंक्स. व्हाट? नथिंग. सॉरी सर, अली आपसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं. वन सेकंड. या अली. सर अली, आइए सर. सर जल्दी नहीं छोड़ूंगी मैं ये लड़की. फोन रखो सर, जल्दी आइए. बोला ना फोन रखो. अरे आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू. ओके
आई नो देर हो गई है, मुझे भी जाना पड़ेगा। मी टू। बाय अर्चना। बाय सीएम साहब। अर्जुन टाइम लगेगा। अरे कमीने कुत्ते, अर्जुन की कहीं और सेटिंग करनी थी, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। ये सब क्या चल रहा है? अरे बोलो, एक्टिंग है कि रियल है? क्या वो रोमांटिक प्लान रति? वो एक्टिंग है। एक्टिंग है? शर्म नहीं आती? सीएम होकर एक लड़की को धोखा दे रहे हो? पहले तो इसको मानना। अरे मैं बेवकूफ कहेगा, यूज़लेस फेलो। ये धोखा नहीं है, छोटी सी स्कीम है। इतना मासूम चेहरा लेकर स्कीम बना रहे हो? स्कीम क्या है? मुझे तो शक है, मैं रिस्क नहीं लूंगी। दे दो मुझे मेरे 50 करोड़। दे दो मुझे। 50 नहीं चाहिए, 5 मेरे लिए काफी है। दिन रात तुम लोगों के साथ रह कर ना मैं भी देशभक्त हो गई हूँ। बाकी के गवर्नमेंट अकाउंट में डाल देना। सुनो रति। सुनो अर्जुन, उसके साथ प्यार करना ठीक है, लेकिन एडवांस में मत जाना। उसके साथ चुम्मा चाटी बिल्कुल मत करना, नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, समझ लेना। गलती मेरी है, मैं एडवांस नहीं हुई। प्यार आदमी देख कर करना चाहिए, ऐसे मेरी मम्मी कहती है। जरा सुनो। या? नहीं बॉस, पहले कमिटमेंट करना सीखो, नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं मिलता। आपके पास पर्सनल फोन नहीं था ना, मेरा नंबर सेव कर लीजिए। इसमें तुम्हारा ही तो फोन आएगा। बात बन की कह दी, आगे रहेगी जो हो मर्जी। जब तक हम इन लोगों का भला नहीं कर लेते तब तक हमें इस पैसे को खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है, ये बात अपने मन में उतार लीजिए। स्टेटमेंट को पास करा देंगे क्या सर? देखो हमने कहा था ना कि हम 10 दिन कुछ नहीं खाएंगे, सब अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देंगे। सीएम अर्जुन के साथ हॉलीडे पे गए हैं, हम उनकी सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। उसको कम मत समझो, वो कुछ न कुछ स्कीम बना रहा है, लोगों में पैसे बांटकर वो उनमें अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहा है। ये हमारी पार्टी की अचीवमेंट है, ऐसी हमें पब्लिसिटी करनी होगी तभी हमें सीएम पद मिलेगा। उसके आने से पहले हमें इन्हें सीएम बनाना पड़ेगा। छुपके से आ जाया, प्यार जाने कैसे हुआ, धरती है दिल मेरा, मैं सब सच हो रहा है क्या, उसकी भी तो मैं बेचैन हूँ। हाय हाय दिल मेरा तेरा ही हो गया, हाय हाय क्या कर हो गया ये खो गया। असल इस प्यार का बेवजायू दिल का घबराना, बातें दिन की हो जाए तो दिल को सुकून मिल जाए। ऐसी मेरे पूछो की चलाती है उसकी फायदा मुझे, ए जाने न जाने कहाँ पे मुझे मेरा दिल पर। See
मैं स्मोक कर सकता हूँ ना? सीएम साहब, आप स्मोकिंग करके लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? छोड़ दी। इतनी जल्दी? छोड़ दी, तुम्हारे लिए। आपके कितने सारे फैंस हैं पता है? मुझे डांटने वाला भी कोई है? जिस दिन 1,00,000 करोड़ लोगों की भलाई के लिए लगा दूंगा, मेरा काम पूरा हो जाएगा। क्या आप सच में 1,00,000 करोड़ रुपए लोगों पर खर्च करेंगे? क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है? पूरा भरोसा है अर्जुन। हो रहा है, लोगों के लाशों के टुकड़े इधर उधर फैले हुए हैं। गलती तो हमने की है, आज हम पार्टी के सभी लोगों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। हमने एक नालायक को सीएम बना दिया है। छी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। चले जाओ यहां से। तुम तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं संभाल सकते तो मैं संभालता हूँ। अपने राज्य और अपने लोगों की सुरक्षा मैं करूंगा। इतने लोग मर गए, तुझे शर्म नहीं आती? तो इंसान नहीं है, तेरे दिल में राम नाम की कोई चीज नहीं है, देख रहा है ये सब? हाँ, जितने लोग यहाँ पे मर गए सिर्फ इसकी लापरवाही से। ये सीएम नहीं है, इस राज्य का शनि है। शनि इंटेलिजेंस के लोग नहीं है, उन लोगों को भी उसने इधर उधर के काम में लगा दिया होगा। अगर मैं सीएम बनूंगा तो इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। अपनी जनता को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सीएम की पोस्ट। इस ब्लास्ट में मरे हुए हर परिवार को 10-10 लाख रुपए। सर धनंजय जी, आपको आपकी पोस्ट छोड़ने के लिए कह रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये आतंकवादियों का काम है, लोग डर से कांप रहे हैं। पागलों की बातों में आकर मैं सीएम का पद नहीं छोड़ूंगा, मैं ही सीएम हूँ। माई नेम इज अर्जुन प्रसाद एंड आई एम द सीएम। कुछ समय पहले हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 32 लोगों की जान चली गई है और 120 लोग घायल हो गए। इस समय शहर में दहशत का माहौल है। मुख्यमंत्री ने इस ब्लास्ट के बारे में एक अर्जेंट मीटिंग रखी है। इस दुर्घटना के बारे में मुख्यमंत्री अपने राजभवन से स्पीच देंगे। बोलिए होम मिनिस्टर साहब, आप क्या करना है? इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर देंगे। कॉम्पनसेशन 5 लाख पर डे, 2 लाख इंजर्ड। उन लोगों से मिलने के लिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। बस या और कुछ? हम तुरंत पाकिस्तान मुर्दाबाद एक आंदोलन करेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे। होम मिनिस्टर साहब, सिटी की पॉपुलेशन कितनी है? 80 लाख। पुलिस फोर्स 8,000। हम यहाँ पर बैठे बैठे कहेंगे कि आतंकवाद मिटाओ तो क्या आतंकवाद मिट जाएगा? बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत नहीं है, हर बार यही रिपीटेशन करने से क्या होगा? 5 लाख रुपए मुआवजा दे दो, आयोग बिठाओ, इंक्वायरी कराओ, पाकिस्तान की हाय हाय करो। अरे, इससे क्या समस्या हल हो जाएगी? हमारी क्या गलती है? कोई बाहर से आकर ब्लास्ट करके चला गया, हम क्या कर सकते हैं? लोगों ने हम पर भरोसा किया है, हमें इस भरोसे को कायम रखना है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये सेंट्रल इश्यू है सर। सेंट्रल इश्यू है, सो हैप्पी। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा क्या? वैसे भी आप कुछ करते, बोलिए। 5,000 करोड़ की शहर में बिल्डिंग बनानी होगी तो जरूर बनवाएंगे। 10,000 करोड़ की नई पुलिस एकेडमी बनवाई है, अपग्रेड ऑल वेपन्स। अगले 2 साल में 50,000 पुलिस वाले नियुक्त कीजिए, मगर एक शर्त है, एक एक पैसा इसी पर खर्च होगा और हर पैसे का पूरा पूरा हिसाब रखा जाएगा। पैसा पैसा बोले तो ये बड़ा काम है सर। 10% लीजिए, चाहे तो 20% लीजिए। ओके सर, गो।
जमीन के पास 400 एकड़ लैंड खरीदो, समझ गए ना? वहाँ पुलिस एकेडमी बन, वो लोग हर काम को बिजनेस की तरह ही डील करते हैं सर, समझ गए? ओके ओके बाय सर। धनंजय बड़े पापा से मिलने वाला है, ऐसी खबर आई है, आपको कुछ करना पड़ेगा सर। कल हर हालत में बड़े पापा से मिलूंगा, मेरा पद नहीं जाएगा। ఏంట్రా అమ్మా, పెద్దనాన్ని కలవడానికి వెళ్తున్నా. ఇంత రాత్రి ఎందుకురా? నాకు వేరే మార్గం లేదమ్మా. ఎమ్మెల్యేస్ అందరు రివోల్ట్ అవుతున్నారు, అందరు ధనంజయ సైడ్ వెళ్తున్నారు. ఆయన కాళ్ల వేళ్ల పడినా గవర్నమెంట్ నిలబెట్టుకోవాలి. జాగ్రత్త ఉంటానమ్మా. హలో. హాయ్, तुम टीवी पर देख रहे हो, बहुत टेंशन में लग रहे हो। कई लोगों की जान गई है, धना इस मौके का फायदा उठाना चाहता है, सिर्फ वही नहीं मीडिया भी आलोचना कर रहा है। सॉरी, देखो ना मैं भी तुम्हें डांट रही हूँ, लेकिन तुम अचानक से चले गए इसीलिए। सॉरी। हे, एक बात कहूँ, यू आर द बेस्ट सीएम। तुम्हारे अंदर एक सच्चाई है, तुम और पॉलिटिशियंस की तरह नहीं हो, तुम उनमें एकदम अलग हो, इसीलिए यू आर द बेस्ट। अर्चना तो मेरे साथ चलोगी? वॉट मतलब? अर्चना बाहर जा रहा हूँ, बाहर बड़े पापा से मिलने के लिए। पूछ क्यों रहे हो? श्योर, थैंक्स। मेरे परिवार वालों ने बर्बाद किया है, को
సంజీవయ్య కొడుక్కి ఇంత కాకపోతే మంగళారతులు ఇస్తారా ఏంటి? ఎందుకు వచ్చారో అడిగి కనుక్కో. ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తారా? ఓట్లు కోసం. ఓట్లు కోసం కాదండి, మీకోసం వచ్చాను. చాలా మందిని చూసాం. ఇప్పుడు బ్యాండీ చల్లాం కానీ మళ్ళీ వచ్చామంటే చెప్పులు చూద్దాం. అర్చన నువ్వు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవు. కానీ నువ్వెందుకు అడ్డొచ్చావు? ఇది నాకు జరగాల్సిందేగా. నువ్వు మా సీఎం, నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవద్దా? అమ్మాయిని మోసం చేయని వాళ్ళు చాలా మంచిది. గిల్టీగా ఉంది సార్. ఏంటి సార్ ఇది? ఇప్పటికీ మనం లేట్ అయిపోయాం. కొంపలు అంటుకుంటే సార్, రేపే పార్టీ మీటింగ్. ఈ టైంలో మీరు ఇలా ఎమోషనల్ అయిపోవటం సార్. ప్రపోజ్ చేశాను సార్, తనకి మీరంటే చాలా ఇష్టం. అదే ప్రాబ్లం మళ్ళీ. నేనేం చేయను అల్లి, నేను తను మోసం చేయను. తనకు నిజం చెప్పి వెళ్ళిపడిగేస్తే చీకుడు వెళ్ళిపోతే? లేదల్లి, నా ఇన్స్టింక్ట్ చెప్తుంది షీల్ బి ఓకే. షీ వాంట్ డిసపాయింట్ మీ సార్. నన్ను నమ్ము. దేఖా, అబ్ ఇన్కి నీతి పర అమల్ కర్నే కే లియే రిజర్వ్ బ్యాంక్ కో భీ బంద్ కర్నా పడేగా. అర్జున్ పూరా గాంవ్ ఘూమ్ కర్ ఆ గయే. క్యూ? సీధే ఘర ఆనా చాహియే థా నా. ఉస్ నీచీ జాత్ వాలోం కీ గలీ సే ఘూమ్ కర్ క్యూ ఆ రహే హో? ఠీక్ హై, జల్దీ సే ఫ్రెష్ హో జావ్, భోజన్ కరేంగే. ఏ సునో, ఇన్కే నహానే కా బందోబస్త్ కరో. నహానే కీ జరూరత్ నహీ హై, బంద్ గాడీ మే ఆయా హూం. అరే ముజే సబ్ పతా హై, జిస్కో జహాన్ రహనా హై ఉస్కో వహీ రహనా చాహియే. క్యూ? అమెరికా కీ పఢాయి ఔర్ సీఎం కీ పోస్ట్ సమజ్నే కీ కోషిష్ కరో. జావ్ జాకర్ నహా లో. 60 साल हो गए भारत को स्वतंत्र हुए, अभी भी जात पात का भेदभाव दिखा रहे हैं. कितने मूर्ख हैं ये और कितने बदतमीज हैं. यही लोग पॉलिसी बनाते हैं, यही हमारे अधिकारों की बात करते हैं. इस तरह के लोग इस देश का नाश कर रहे हैं. इस दुनिया के बुजुर्गों की बात नहीं माननी चाहिए. इनके साथ चलने से कोई फायदा नहीं, इन्हें तो जीने का भी हक नहीं है. हमें अपने लिए अलग रास्ता बनाना पड़ेगा. अली, एक अच्छा सा डायमंड लेकर आओ. मैं अर्चना को प्रपोज करना चाहता हूँ. तूने सही कहा था, మనం కొంచెం రిలాక్స్ అయితే చాలు. ఆ రాక్షసులు మళ్ళీ వస్తారు, మళ్ళీ మనల్ని వదలరు. హాయ్ సీఎం. ఏ కోయి నయీ శరారత్ హై? मुझे ऐसा कहना अच्छा लग रहा है. तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं, वेटिंग. तुमने खाना खाया? नहीं, वेटिंग. कम मुझे तुमसे कुछ कहना है. मुझे भी तुमसे एक बात करनी है. मैं पहले बोलूंगी. अर्जुन, आंखें बंद करके बोलूं? मैंने बहुत इंतजार किया कि तुम खुद ही कहोगे, लेकिन लेट कर रहे हो तो मैंने सोचा मैं ही कह दूं. टाइम वेस्ट क्यों करूं? एक्चुअली आई एम इन लव विद यू. अर्चना, विल यू? व्हाट? विल यू मैरी मी? सीएम हो तुम? मैंने आंखें बंद करके आई लव यू कहा,
तो भी कुछ नहीं कर रहे हो, मुझे किस तो कर ही सकते हो। लोग तुम्हें जीनियस सीएम कहते हैं, लेकिन तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। एक्चुअली मुझे पॉलिटिशियन से नफरत है, लेकिन पता नहीं मैं कैसे तुमसे। तुम्हारे पापा भी पॉलिटिशियन है ना? सॉरी, इस बारे में तुमने अपने पापा को बताया कि नहीं? मैंने अपनी माँ को बता दिया है। मुझे पापा से बात किए हुए बहुत साल हो गए हैं, इसीलिए तो बात करनी चाहिए। दिस इज द बेस्ट ओकेशन। ये लो, बात करो, तुम भी खुश होगी, वो भी खुश होंगे। इस टॉपिक को छोड़ दो अर्जुन, प्लीज। टॉक टू हिम, कोई बात नहीं, यही मौका है, प्लीज। कौन? हेलो। हेलो कौन? हेलो हेलो पापा। अर्चना, तुम कहाँ से बात कर रही हो? सब कुछ ओके है ना? पापा मैं शादी करना चाहती हूँ। शादी? कौन है वो? अच्छा लड़का है? अच्छा लड़का है। क्या करता है वो? आप जानते हैं पापा? क्या मैं जानता हूँ? सीएम पापा। सीएम? सीएम? हमारा सीएम अर्जुन? सिक्योरिटी रीजन के कारण हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अपना लगेज हमें दीजिए। सब ओके है ना? एब्सोल्युटली। सीएम तैयार हो गए? रेडी हो गए, अभी आते हैं। आप लगेज लेकर आ जाएं, हम निकलेंगे। टू मिनट। केबल वन कॉलिंग फ्रॉम सीएसओ, वी आर कमिंग। सिग्नल नहीं मिला ना? कंफर्म है वहाँ सिग्नल नहीं है, मैंने सब चेक करके देखा है सर। वो लगेज लेके आ रही, फिर निकल। ओके। आ रही। ला मुझे तो ऑर्डर सी एस ओ, ऑर्डर सी एस ओ। चलता मालिक जी, ऑर्डर एंड आउट। मैं 2-3 घंटे में लौटाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? बड़े पापा से मिलने जा रहा हूँ, मीटिंग है। यहाँ सिक्योरिटी तुम्हारे साथ रहेगी। ओके ओके, बाय बाय। अर्चना? हाँ। अर्चना, आई लव यू।
यहाँ सिग्नल नहीं है ना? बिल्कुल सर, पार्टी मीटिंग खत्म होने तक वहाँ कोई नहीं जा सकता। वी आर सेफ। आई थिंक आई लॉस सर, अली वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। सर, जिसने आपको समझ दिया वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा सर। नौ बजे मनोहर से मीटिंग है सर, उसके बाद पार्टी मीटिंग है, ठीक है ना? एग्जैक्टली। ओके ना? ओके सर। ओके। सर वो आ गए हैं। हेलो सर। अरे दामाद जी। अरे सीएम जी बैठिए। सर एक बात है, जब तक मैं हूं आपकी पार्टी का कोई कुछ नहीं कर सकता। उनको मीटिंग रखने दो, देखते हैं। उन लोगों ने क्या ऑफर दिया? खैर छोड़िए, वो हमारा रिश्ता होने से पहले की बात है। डिप्टी सीएम को सीएम बनाएंगे, 1,00,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ देने का वादा किया है, 2 कैबिनेट है। और एक बात कह रहे थे। बोलिए सर। हमारे पार्टी के मुरली यादव के लड़के के ऊपर से मर्डर केस और रेप केस हटाना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हो? वो हमारे पार्टी के सेक्रेटरी हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो पार्टी नहीं रहेगी। पैसे से आपका काम हो जाएगा? पैसा हमारे पास बहुत है, अगर उसको हम रिलीज नहीं करेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, पार्टी भी खत्म हो जाएगी। एक मिनट सर। हाँ सर। सर मान लीजिए सर, हमारे पास वक्त नहीं है। एक लड़के ने लड़की के साथ अत्याचार किया है और हमें उसे बचाना है। वे सीधे साधे लोग हैं, पहाड़ों में धूप में मेहनत करने वाले। मैंने उनसे वादा भी कर दिया है सर। सर इतने सालों से हम भलाई कर रहे थे, 1,00,000 करोड़ रुपए है सर, ये लोग कुत्ते की तरह खा जाएंगे। ओके कीजिए सर। सर ओके कीजिए सर। सोचिए मत सर। शर्मा जी, इस बात के लिए मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इस तरह का सीएम तो मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा है, नहीं देखा है। राज्यसभा में सीएम अपने एमएलए को डांट रहा है, सभा इज्जत नहीं देगी, और ऊपर से हमारे एमएलए के रिश्तेदारों को आईटी नोटिस भेजा जा रहा है। ना तो कोई स्कीम है, ना तो कोई पॉलिसी है, एक सिंगल प्रपोजल वाला प्रोजेक्ट भी नहीं है। इस साल इन्होंने क्या किया है अगर देखा जाए तो आप पाएंगे कि सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, सिर्फ पैसा। ये सीएम है या कलेक्शन एजेंट, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, इस तरह के सीएम की हमारे राज्य को जरूरत है क्या? नहीं है। आप लोग ही सोचिए, अगर इस तरह का सीएम हमारे राज्य में, पॉलिटिक्स क्या है ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? और भी बदतर हो चली जाएगी, और ये आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। ये गेम है, जरूरत नहीं है। इसमें दिमाग के साथ ताकत की भी जरूरत पड़ती है। कि अगला सीएम इस राज्य, उस दिन अगर तुम अमेरिका चले गए होते तो तुम्हें इतनी टेंशन, आप लोग बताइए कि इतना दुख नहीं होता। सीएम बन सकता है इस राज्य। मामा जी, पॉलिटिक्स में कोई पैसे से, कोई रिश्तेदारी से और कोई परिवारवाद से आता है। पहले पैसे से राजनीति करता था, अब रिश्ते की राजनीति कर रहा हूं। राजनीति तो एक ही है ना, उससे कहो टाइम वेस्ट ना करे, सीधे मुद्दे पर आ जाए। इस राज्य के डिप्टी सीएम को मैं अगला सीएम बनाना चाहता हूं। हेलो बड़े पापा, मैं मनोहर बात कर रहा हूं, अगर मेरा सपोर्ट आपको चाहिए तो। आप एक बात समझ नहीं पा रहे मनोहर जी, वो आपकी बेटी कोई नहीं, आपको भी धोखा दे सकता है। ये बात मैं आपकी बेटी को बताना चाहता हूँ, उसका फोन नंबर दीजिए। सब आपकी तरफ नहीं रहेंगे धनंजय जी। आपको क्या चाहिए सर? हमने सब कुछ सेटल कर दिया है, अब आखिर क्या प्रॉब्लम है? 10 क्या आप 20,000 करोड़ ले लीजिए और 3 पोर्टफोलियो एक्स्ट्रा। अर्जुन किसी भी हाल में सीएम नहीं रहना चाहिए। एक कुत्ते को खड़ा कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ऐसी बात कर रहे हो तुम? बड़े पापा, आप इसे समझाइए, मैं कुछ नहीं जानता। अगर मेरा सपोर्ट चाहिए तो मेरे दामाद को ही सीएम रहने दो। दामाद दामाद बोलकर क्यों पागल हो रहे हो?
वो आपका दामाद है, इसलिए आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे फेंके हुए टुकड़े खाने वाले कुत्ते हो तुम। आगलो जैसी बातें बंद करो, इज्जत से। इज्जत चाहिए तुझे? नहीं जाए। क्या कर रहे हो? सुनिए, अगर मनोहर सपोर्ट देना बंद कर देगा तो हमें इलेक्शन में जाना पड़ेगा, और फिर हमारा क्या होगा? कितना बोर हो रही थी, कॉल करना चाहो तो सिग्नल भी नहीं था। ए, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हे सिग्नल। अर्चना डोंट पिक अप। हेलो, हेलो अर्चना जी, मैं धनंजय बोल रहा हूँ। झूठ झूठ झूठ, सब झूठ है ना, ये सब झूठ है ना, सब कुछ झूठ है ना। अर्चना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। पॉलिटिशियंस पर भरोसा मत करना, मत करना ऐसा। मेरी माँ बचपन से कहा करती थी, और इस वक्त भी वो ऊपर से देख रही होगी। इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? हाँ, एक मामूली लड़की और एक चीफ मिनिस्टर, इतना सब प्लान किया, कितनी तकलीफ दी मुझे। बोलो ये सब क्यों किया तुमने? अगर ऐसे ही कह देते तो भी मैं तुम्हें सपोर्ट कर देती। अर्चना, अर्चना, अर्चना मेरी बात सुनो। मैं लड़ रहा हूँ, I'm fighting। लोगों के पैसे और उनकी छोटी सी आशा के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी बात सुनने के लिए तुम तैयार नहीं हो अर्चना। अर्चना, अर्चना मैं पॉलिटिशियन के खिलाफ लड़ रहा हूँ अर्चना। इस लड़ाई में अच्छा बुरा, अपने आप को, प्रेम, ये सब भूल गया हूँ। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन सच तो ये है कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं रिस्क नहीं लूंगा, लोगों के पैसे का रिस्क नहीं लूंगा। आई एम सॉरी। हर पॉलिटिशियन सिर्फ अपना फायदा ही सोचता है, पद के लिए, राजनीति के लिए, परिवार के लिए। तुम लोग लोगों को बेवकूफ बनाकर जीतते हो। चले जाओ अर्जुन। अर्चना घबराओ मत, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। प्लीज चले जाओ। अर्चना, हेलो सर। तुम कौन हो? मैं रामू, एमएलए मुरली यादव का लड़का हूँ। कितना चाहिए वो बोल दो। मुझसे खुलकर बात करो, ये कॉन्फिडेंशियल है। क्या तुमने मर्डर किया है? हमने शराब पी थी, मूड में थे, हमें वो लड़की पसंद आई, बस हमने मस्ती की। मर्डर? बहुत तंग किया उसने सर, चर्बी बहुत थी उसमें। हमने बहुत समझाया, पैसे देने को भी तैयार थे, पर नहीं मानी। ओके, सी यू सर, चलता हूँ। एक रिक्वेस्ट है सर, पापा एक छोटी सी पार्टी दे रहे हैं, सभी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, आपको भी आना होगा। रामू, अगर तुम्हारे पापा एमएलए नहीं होते और मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो पता है क्या सजा मिलती? ऐसा क्यों होगा, हम सब एक है ना, हमारे लिए आप हैं, आपके लिए हम हैं। उसके साथ अन्याय क्या है? इस बात के लिए तुम्हें कोई दुख नहीं? दुखी होने की क्या बात है,
पब्लिक सिर्फ दो दिन याद रखती है, बाद में भूल जाते हैं। दे विल फाइंड न्यू केस। तेरे बारे में नहीं, उस लड़की के लिए सोच रहा था। क्या करे सर, स्मॉल फिश बट ब्यूटीफुल फिश। रहो जरा यहाँ ना। हाँ इडियट, तेरा बाप एमएलए है इसलिए तू बच गया, पर ये याद रखना, गो आउट। गुड नाइट सर। 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 माँ। क्या बेटा, आओ। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? आज मैंने अपने पद को बचाने के लिए एक लड़की के साथ अन्याय करने वाले को बचा लिया माँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तूने एक लड़की के साथ अन्याय किया है। जिसने अन्याय किया उसको छोड़ दिया माँ। अन्याय करने वाले को तुमने छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक लड़की के साथ अन्याय हुआ है उसका मुझे दुख है, बहुत दुख हो रहा है। तुम उसे अपनाओगे या छोड़ोगे, तुम खुद फैसला करो। और कोई रास्ता नहीं था माँ। तेरे पापा भी ऐसा ही कहते थे माँ। ऐसा नहीं है। हाँ वैसा ही है। आज रेप केस, कल मर्डर केस, परसों फैक्ट्री लाइसेंस और हर तरह का केस। इस तरह तू हर केस में कुछ नहीं कर पाएगा। अर्जुन सो जाओ, बाद में बात करेंगे, आराम करो, जाओ। अर्जुन मैं तुझे लीडर बनाना चाहती थी, पॉलिटिशियन नहीं। माँ कर रही हैं आपका। लाखों लोग हैं, सब महिलाएं हैं सर, आपकी माँ के लिए आई है। आपकी माँ बहुत महान है सर, देश उन्होंने इन महिलाओं की हमेशा मदद की है, उनका बहुत साथ दिया है सर।
एक लाख महिला है। मसला जा रहा है इन नेताओं की वजह से। मैं तुम्हें लीडर बनाना चाहती थी, पॉलिटिशियन नहीं। बैठिए दादाजी, आप बैठिए। सर सर कोई बात नहीं, दादाजी आप बैठिए। दादाजी मैं सीएम हूं, ये लड़की जो लड़की मरी है उसकी बहन है, घर में अकेले छोड़ने में डर लगता है इसलिए साथ लाया हूं। आपकी बड़ी बेटी के बारे में मुझसे एक गलती हो गई, बताइए उस गलती को सुधारने के लिए मैं क्या करूं? वो गलती किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, बस यही है। अब हम क्या करें, मेरी बेटी तो वापस नहीं मिलेगी ना। मैं चलता हूँ साहब, अंधेरा हो गया तो जाने के लिए बस नहीं मिलेगी। एक मिनट, मेरा भी कोई नहीं है, आप मेरे साथ रहिए। मैं इस लड़की की पढ़ाई करवाऊंगा, शादी करवाऊंगा, इसे अपनी बहन समझूंगा। नहीं साहब जी, सुनिए यहाँ सीएम से बड़ा कोई नहीं। हमें भरोसा नहीं है साहब, हमें माफ कीजिए। सीएम साहब बोल रहे हैं ना? उस बड़े आदमी ने हमें धोखा दिया, हम फिर धोखा नहीं खाना चाहते हैं। हमारे गाँव गए मेले बोल रहा है कि वो मिनिस्टर भी बनेगा, उसे पैसा देंगे तभी तो वो काम करता है। अपने गांव में महिलाओं को बहन बेटी की तरह देखूंगा, लेकिन उसका लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी बेटी की इज्जत लूटकर उसे मार दिया साहब। आपकी जाति ऐसी है, हमें भरोसा नहीं है, मैं चलता हूँ साहब। रुकिए मैं कार से भिजवा देता हूँ। नहीं साहब मैं बस से चला जाऊंगा, चार लोग रहेंगे, मैं चलता हूँ। लड़के को सजा कैसे हो सकती है? कानून से हम कुछ नहीं कर सकते। कानून से सजा नहीं दिलानी, उसे जाल में फंसाना है। किले शर्मा जी, आधे घंटे में 200 ऑफिसर्स को बुलाकर ये ऑर्डर पास करवाइए, कल सुबह ठीक 6 बजे ये रेट पढ़नी चाहिए। मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, काउंसलर किसी को भी नहीं छोड़ना, सबके सब फंसने चाहिए, उनके रिश्तेदार भी, उनके आसपास जितने लोग हैं उन सब पर रेट डालो। गो विद फुल फोर्स। उमेश जी आप कंप्लीट पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। मगर ये कैसे होगा? शर्मा जी उनकी जायदाद को जब्त करेंगे तो लोगों को दिखा सकते हैं कि उन्होंने कितना कमाया है, और इसकी पूरी रिपोर्ट टीवी पर दिखानी है। गवर्नमेंट, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, आई एम रिजाइनिंग। सर कल रात को 8 बजे का गवर्नर से अपॉइंटमेंट लीजिए, 8 बजे तक रेट खत्म हो जाएगी। उमेश जी 8-10 तक लड़के को खत्म कर दो। ओके सर। सीएम का पद छोड़ने के बाद मुझे इस किताब की कोई जरूरत नहीं है। अली सर एक बार आप सोचिए सर, एक अनाथ लड़की को जब मैं न्याय नहीं दिला पाया तो सीएम बनने का मुझे कोई हक नहीं है। कोई नहीं मानेगा कि इसमें सीएम का हाथ नहीं है, और लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। 1 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाना, इतनी बिजली इतनी वसूली, सिर्फ यही नहीं एक बदलाव लाना होगा, व्यवस्था बदलनी होगी, सोच बदलनी होगी, हमें राजनीति बदलनी होगी। चलो सर। मैं एक नया लीडर देख रहा हूं सर। आप पर पूरा देश बहुत विश्वास करता है सर। लीडर, वी नीड अ लीडर, अ फाइटिंग लीडर, अ हॉनेस्ट लीडर। हमने
अभी तक देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। सुबह 6 बजे से एसीबी की रेड शुरू हो गई। इस राज्य के इतिहास में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ही 85,000 करोड़ ब्लैक मनी जब्त किया गया है। इस स्वतंत्र भारत देश में नामुमकिन हो गया है। कानून आम आदमी हो या एमएलए हो एमपी हो वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। इस एसीबी रेट से इतना कुछ हो गया कि इसके हर राज्य में होगा तो हमारा देश सुधर जाएगा। अगर हर मंत्री अपना काम पूरी ईमानदारी से करे तो हमारे देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। एसीबी को रेड करने के लिए चीफ मिनिस्टर अर्जुन प्रसाद ने आदेश दे दिए हैं। ये सभी जानते हैं कि सीएम आज रात 8 बजे गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। एमएलए के घर में एमपी के घर में और सारे मिनिस्टर के घर में एसीबी की रेड डालने के लिए सीएम अर्जुन प्रसाद जी ने आदेश दिए हैं। यह हम सभी जानते हैं कि अर्जुन प्रसाद जी आज रात को 8 बजे गवर्नर से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। मनोहर जी का सपोर्ट हमारे साथ है सर, ये सब हमारे एमएलए हैं सर। यू कैन इन्फॉर्म द गवर्नमेंट सर। नमस्कार सर। सर ये लीजिए। आप कह रहे हैं मनोहर आपको सपोर्ट करेंगे? जी सर, वो मिस्टर धनंजय को बहुत बड़ा शॉक लगा है। 30 साल से जो पीपल पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही थी, आज वो उनसे अलग हो गई। आपने बुलाया बड़े पापा? अर्जुन, क्या है ये सब? कैसे लड़ते हो तुम? मेरी जान, मेरा परिवार, ये सब मेरी सांस है। 30 साल से मेहनत करके मैंने ये साम्राज्य बनाया और तुमने सब बर्बाद कर दिया। इस राजनीति को तुम चला रहे थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? सवाल चलाने का नहीं बड़े पापा, खत्म करने का है। आप गलत कहते हैं, आप जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। आपकी गाली सुनता हूँ। आप जिस रास्ते से चलकर आ रहे हैं, मुझे उस रास्ते की मिट्टी की खुशबू तक पसंद नहीं। आपकी सलाह नहीं चाहिए। आप इस राज्य को बदल नहीं सकते। इस राज को 100 साल पीछे ले जा रहे हैं, इसलिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। यहाँ साइन कीजिए सर, दिस इज मैनिफेस्टो। कैसा मैनिफेस्टो? वही, लोगों का पैसा लोगों को कैसे बांटना है। लोगों का पैसा लोगों में बांटने के लिए मैनिफेस्टो की क्या जरूरत है शर्मा जी? 60 साल से बांटते आ रहे, लेकिन हमारे देश का कुछ भला हुआ? श्यामलाल जी को मुरली यादव के सामने खड़ा करता हूं।
नहीं मरेगा, मेरे होते हुए कोई झगड़ा नहीं होगा, किसी की हत्या नहीं होगी और कोई आत्महत्या नहीं करेगा, सीमा पर कोई खून खराबा नहीं होगा, आतंकवाद का खात्मा कर दूंगा, मुझ में दम है अन्याय से लड़ने के लिए और अपनी तरह दम वाले एक एमएलए को आपके लिए खड़ा कर रहा हूँ, मुझ में दम है, इस कानून को सुधारूंगा, हर बेरोजगार को रोजगार दूंगा, इस राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, आपके सुनहरे भविष्य के लिए मुझ में दम है, मुझ में दम है कि इस व्यवस्था को लाइन पर लाऊंगा, बिना पैसे लिए मुझे वोट देने का आप में दम है। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, देखिए इस लीडर को, मुझे इसी वक्त स्टूडियो छोड़कर इसके साथ जाने का मन कर रहा है। इंस्पायरिंग लीडरशिप तो यही है ना? Yes, he is the leader. रानी चलो वहाँ चलते हैं। चलो चलते हैं। मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं, अर्जुन प्रसाद पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत चुके हैं और बहुत जल्द नए मंत्रिमंडल का अर्जुन प्रसाद गठन करने वाले। आपको बता दें कि अर्जुन प्रसाद पूरी मेजोरिटी से जीत चुके हैं। अर्जुन प्रसाद राज्य में हर किसी की जुबान पे सिर्फ एक ही नाम है। इस रिजल्ट ने ये साबित कर दिया है कि एक अच्छे चरित्र वाला इंसान चुनाव लड़ सकता है और जीत भी सकता है। इस रिजल्ट से पॉलिटिशियंस को ये पता चल गया है कि लीडरशिप क्या है, ये इतिहास बन गया है, ये एक नया फैसला है इस राज्य और देश के लिए।
अर्जुन प्रसाद, इस राज्य का दूसरी बार सीएम बनकर आपकी सेवा करने आया हूँ और तन मन धन से आप लोगों की सेवा करूँगा। देश के साथ राज्य को भी आगे बढ़ाऊंगा, अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करूँगा। मैं आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी के साथ निर्वाह करूँगा। ताकत के बल पर, पक्षपात से या जाति दुश्मनी के आधार पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करूँगा। सभी को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। यह आत्मा को साक्षी मानकर वचन देता हूँ। This movie is encoded by Dr. Star.